हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब बच्चे लोग आ चुके हैं। बेटा जल्दी से बताएं, आ गए हैं क्या? गुड मॉर्निंग आशीष, प्रिंसी, दीक्षा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज तो भाई बड़ा बढ़िया मौसम है। गुड मॉर्निंग बेटा मुस्कान, सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग बेटा पार्थ। चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं और पता चलता रहता है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हो रही होगी तो क्वेश्चन के बारे में जिक्र भी करेंगे, है ना? गुड मॉर्निंग जी पार्थ, प्रिंसी, शुभम, कहाँ हुए बाकी बच्चे? सारे बच्चे आ गए क्या? जल्दी से एक बार फटाफट से यहाँ पे मैसेज करके अपनी प्रेजेंस जाहिर करो। मैं वेट कर रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं बात, गंदी बात। हाँ सुबह सुबह नहीं करनी गंदी बात। जल्दी से अपनी प्रेजेंस जाहिर करो, जल्दी से फिर हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सर अब तो मंडे से फेस टू फेस बुला लो, अब तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। देखो आने दो, हम तो खुद चाहते हैं। अभी कैमरा देख देख के ना बोर हो चुके हैं सच में। इतने प्यारे बच्चे, इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे, यंगस्टर्स और फुल एनर्जी के साथ में, फेस टू फेस में वो काम बहुत जल्दी कर लेते हो तुम लोग। लेकिन क्या करें, हमें भी कैमरा देखना पड़ रहा है अभी। वेरी गुड प्रिंसी, अभिषेक, दीक्षा, सारे बच्चे रेडी? चलिए जी आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए अब शुरू करते हैं बेटे पढ़ाई की बात। चलिए जी शुरू करते हैं बेटा। हमने पिछली क्लास तक क्या क्या देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाम नहीं लूंगा बच्चे का। मैंने सुबह, एक्चुअली मेरी आदत है, मैं 3 साढ़े 3 बजे सुबह उठ जाता हूँ, 3:30 4 बजे, और मैं तब पढ़ता हूँ। तो मैं तब मोबाइल देखता हूँ कि किस बच्चे ने क्या डाउट पूछा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। नाम नहीं लूंगा बच्चे का कि उसने रात पता नहीं किस टाइम मैसेज किया, नाम तो वो तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ डाउट बड़ा जेन्युइन था। और मैं उस बच्चे से यही कहूंगा कि बेटे असाइनमेंट में हमने सॉल्यूशन में कुछ मिसमेंट डाले हुए होते हैं, उसका पर्पस हमारा अलग रहता है। अगर यही बुक बात बाकी बच्चों के पास में भी हो तो फिर बच्चा आपसे कम्पीट कैसे नहीं कर लेगा, बड़े आराम से कम्पीट कर लेगा। तो हम तो अपनी क्लास के लिए तो कुछ रखेंगे ना बेटे, वो कहते हैं ना इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी बाकी बच्चों जैसे हैं। आपको क्लास में मैं सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट कराऊंगा, एकदम परफेक्ट। हाँ जो बुक मैंने आपको दी उसमें कुछ थोड़े बहुत मिसप्रिंट्स मैंने इंटेंशनली डाले हुए हैं, उसको ठीक नहीं किया, बहुत लंबे टाइम से डाले हुए हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि अपनी क्लास में वो सारी चीजें कराना जो रिजल्ट में बेस्ट रिजल्ट लेके आए अपनी तरफ से। चलिए तो शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। हाँ तो एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऐसा हुआ है कि जहां पर हमने ऐसे डाल रखा है बेटा पार्टनर के लोन को, चलिए जो बच्चा पूछ रहा था मैंने बता दिया है ना, वो ऐसा नहीं होगा, वहां पे डायरेक्टली पे करेंगे। आइए अब शुरू करें। लो जी तो चैप्टर है अपना कौन सा बेटे, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के रिजोल्यूशन में हम लोग कर रहे थे जी, क्या कर रहे थे जी, हम लोग कर रहे थे जी इंसॉल्वेंसी की बातें। इंसॉल्वेंसी का हमने कल एक क्वेश्चन किया था सर, एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दो थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी वाला। चलो तुमने नहीं बोला फिर भी मैंने सुन लिया, वो गाना सुना है, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। आइए जी कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पर गुन लिया। लो बेटा लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए, दोनों दो अलग अलग टॉपिक हैं जी, दो अलग अलग टॉपिक हैं। ये जो केस लगेगा ये किसकी बात करेगा, ये उसकी बात करेगा जहां पर गार्डनर वर्सेस मर्रे कहां पर होगा, जहां पर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है, सारी फर्म इंसॉल्वेंट नहीं है। क्या मतलब सर, जब सभी पार्टनर लोग इंसॉल्वेंट होते हैं तो हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म भी इसको बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म भी बोलते हैं। कि पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होगी मतलब सारे पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप फर्म, सारे पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फर्म। हम वहां की बात नहीं करेंगे, यहां पर गार्डनर वर्सेस मर्रे किसकी बात करेगा, सिर्फ वन पार्टनर में। क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटे लॉस को बांटना भी तो है ना। हाँ जी बांटना है,
लोस को बांटना भी है, हाँ जी, तो बांटने के लिए कोई तो बचे जो सोलवेंट हो, हाँ, और जब फर्म ही इंसोलवेंट हो जाएगी तो फिर वहां पर गार्डनर वर्सेस बरर लग ही नहीं पाएगा, चाहकर भी, भले ही वो इंसोल्वेंसी से रिलेटेड है लेकिन वो सारे पार्टनर्स की इंसोल्वेंसी पे नहीं लग पाएगा। तो बात हो रही थी बेटे वन पार्टनर के इंसोल्वेंट की, अगर एक पार्टनर इंसोल्वेंट होता है तो उसका जो लॉस होता है हम लोग कहां पे बांटते हैं, अदर पार्टनर्स में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं लॉस ऑफ इंसोल्वेंसी, है ना, वो कैसे सारा काम निपटा दो, और जो फाइनल फिगर यहां पर हम देखें कि भाई कितने रुपए नहीं लाया वो, मतलब जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में हमने लिया था कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए कि मिस्टर सी इंसोल्वेंट हो रहे हैं जी, तो सी के यहाँ पे जो उसे बाई बैंक करना था वो नहीं कर पाया, वो लॉस बन गया, नंबर एक बात, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, फिर हम बात कर रहे थे कि जो भी पार्टनर है सोलवेंट है वो क्या करेंगे, कैश इमीडिएटली लेके आएंगे रिलेशन लॉस वाला, यानी कि रिलेशन लॉस जितना भी रिलेशन अकाउंट से, अगर रिलेशन लॉस है तो रिलेशन अकाउंट में अगर लॉस आ रहा है तो जितना भी लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया वो क्या करेंगे वहां पर उसको बाई बैंक करके कैश मंगा लेंगे उतना। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं है रिलेशन प्रॉफिट है तो मंगाने की जरूरत ही नहीं है। आइए जरा अगली बात, लास्ट वाली बात कि भाई जो भी लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी है वो किसमें बटेगा, सॉल्वेंट पार्टनर, बशर्ते वो परेशान ना हो पहले से, है ना, मतलब उसका डेबिट बैलेंस ना हो पहले से। हाँ, सॉल्वेंट और क्रेडिट बैलेंस है तो वो पक्का उसमें बटेगा। अच्छा, और ये किस रेशो में बटेगा, कहते हैं डिजोल्यूशन से पहले किस किस ने कितना पैसा लगा रखा था, मतलब जो पैसा लगा रखा था वही तो कहलाती है कैपिटल। तो लोन ने तो कोर्ट में तो एक बात बोल दी गई किस किस की कितनी कैपिटल थी, बेटे किस किस की कितनी कैपिटल बोलने से कभी कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि सिर्फ कैपिटल वाले पैसे जो रिजर्व और सरप्लस जो बैलेंस शीट में है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लेना इसका मीनिंग, क्योंकि किस किस की कितनी कैपिटल थी रिजोल्यूशन से पहले इसका सेंस क्या होता है कि किस किस का कितना पैसा इन्वेस्ट था वहां पर, ठीक है। तो पार्टनर का तो जो भी हिसाब किताब है वो सारा का सारा उसकी कैपिटल कहलाता है, चाहे उसका रिजर्व का पैसा बैलेंस शीट में अभी बिना बटे पड़ा हुआ है, चाहे उसका प्रॉफिट का पैसा बिना बटे पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा वहां पर जोड़ करके डिसाइड किया जाएगा। हाँ जी, बात करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन बच्चा कह रहा है कि सर अभी मैं एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं फिर मैं इस डाउट को डिस्कस करता हूँ, वरना लिंक टूट जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लॉस डिसाइड किया, फिर दूसरी बात हमने क्या किया, लॉस को कैश में मंगवा लिया रिलेशन लॉस को, फिर तीसरी बात हमने कहा भैया जो जो पार्टनर्स क्रेडिट बैलेंस रखते हैं सॉल्वेंट उसमें बटेगा और किस रेशियो में बटेगा वो कैपिटल ढूंढ रहे हैं। अब ये जो कैपिटल है वो क्या करेंगे, रिलेशन वाली चीजों को इग्नोर करके जो कैपिटल का बैलेंस होगा उसको देख करके होगी। अगली बात जो रेशियो है, कहते हैं कैपिटल का रेशियो कैसे होगा कि जो या तो कैपिटल फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग हो, फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या होगा कि रिलेशन का इफेक्ट हटा करके बाकी चीजें देखी जाएंगी, और अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो ढंग से देखो कि वो सचमुच में करंट अकाउंट है या कैपिटल को दूसरी तरफ लिख रखा है, करंट अकाउंट मेंटेन नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, अगर हर पार्टनर के नाम का कैपिटल भी करंट भी दे रखा है तो तब हम मानेंगे कि वहां पर फिक्स कैपिटल मेथड है, यानी कि करंट को अलग रखा जाता है और कैपिटल को अलग रखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर दोनों तरह की सिचुएशन में ये फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पर करंट अकाउंट मेंटेन ही नहीं है, भले ही बैलेंस शीट में यहाँ पर सी के नाम से करंट अकाउंट लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर सी के नाम की कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है। यानी अगर सी की कैपिटल भी होती तो मैं मान लेता कि चलो भाई ये सी का करंट अकाउंट है। ध्यान रखना हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल भी और करंट अकाउंट भी, तब मानेंगे वो फिक्स कैपिटल मेथड है और वो सभी का दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि एक का दे दिया। आइए जरा रेशियो ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है डिसोल्यूशन से पहले, तो यहाँ पर सारी चीजें जोड़ देंगे रिलेशन को हटा करके, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में तोड़ा था, ठीक है। और इसमें ये बात ध्यान रखना होगा कि हमें जो रेशियो डिटरमाइन करना है तो सॉल्वेंट पार्टनर का डिटरमाइन करना है, वो भी जिनका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है ना, उनके लिए हम यहाँ पर ऐसे बात करेंगे। चलिए फिर हमने एक क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 7, अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक डाउट ले लेता हूँ पहले, आशीष ने लिखा है सर एक डाउट है बताइए, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनकम्प्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज पार्टनर तो सॉल्वेंट भी है हो सकते हैं और सेम टाइम पर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो सकती है। मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं बेटा, ये बात पूरी तरह बिल्कुल गलत है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के पीछे पीछे पार्टनर्स, ध्यान रखना मैं एलएलपी की बात नहीं कर रहा,
पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, हाँ। प्रोप्राइटर की भी अनलिमिटेड होती है, हाँ। पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड होती है, हाँ, अगर एलएलपी नहीं है तो। अच्छा, फिर जब पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगी, मतलब फर्म के पास में पैसे ही नहीं है, तो पैसे कहां पे, कहां से मंगवाती है बताओ, कहां से मंगवाती है, पार्टनर से। अब पार्टनर के घर तक की रिकवरी होगी, हाँ जी। तो पार्टनर, एक एक पार्टनर का इंसॉल्वेंट होता गया तो वहां से रिकवरी नहीं होगी, हाँ। तो जब ऐसा हो कि कोई भी पार्टनर घर से भी कुछ ना ला पाए, तब हम कहते हैं सारे विकेट गिर गए, मतलब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, उसको बोला जाएगा इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, करेंगे उसका क्वेश्चन भी करेंगे। आइए जरा, तो बातें हमने कर ली, आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने बेटे लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए बेटा, पहले हम लोग 8 करेंगे और फिर हम लोग 9th करेंगे। आइए, आ थोड़ा सा तूफान मचाना है, जल्दी जल्दी से काम को निपटाना है। क्वेश्चन नंबर 8, तो हम एक काम करें फटाफट से, पहले हम नाम लिख लें यहाँ पे, नंबरिंग कर लें, और बड़ा अच्छा रहेगा अगर बच्चे आगे आगे ट्राई करते हैं। वेरी गुड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आगे मत पढ़ना, लेकिन मैं जब क्वेश्चन बता देता हूँ भाई यहाँ से यहाँ तक टॉपिक सेम है, तो कर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा सर, वो अनलिमिटेड लिबर्टी भूल गया था, ओके बाबू। आइए जी, इसी बात के तो पैसे हैं, आइए आ जाओ जरा। तो बेटे कौन कौन सा अकाउंट बनेगी जी, कौन कौन से अकाउंट बनेगी जी, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या बनेगा जी, क्या बनेगा जी, सबसे पहले बनेगा जी रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। लो बेटा जी, रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरा बनेगा जी इधर, क्या बनेगा जी, कैश बैंक अकाउंट। और तीसरी बात इधर होगी जी, क्या आपका अपना राज दुलारा, बड़ा ही प्यारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स थे क्वेश्चन नंबर 8 में, की एल एम और एन। लो जी, नाम भी देखो, ढंग के नाम नहीं रख सकते ये बाहर वाले जितने भी विदेशी हैं ना, ये सब ढंग के नाम नहीं रख सकते, कितने बुरे बुरे नाम निकाल के लाते हैं। हमारे यहाँ देखो, धर्मपाल, धर्मेंद्र, अमिताभ, अब तुम रहने तो, कह रहे हो हेमा मालिनी, नहीं नहीं श्रीदेवी, नहीं 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 मैं बात कर रहा हूँ बेटे, मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ सर, मतलब ढंग के नाम भी तो होने चाहिए ना क्वेश्चन में। अगली बार मैं एक काम करूंगा, आपको बार ना मैं अपनी बुक में नाम चेंज कर दूंगा, सुबह सुबह की एल एम एन, बताओ जी। अच्छा, फिर हम बात करेंगे बेटे क्या, वर्किंग नोट। वाह 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 वाह, वर्किंग नोट जब भी जरूरत पड़ेगी हमें, हम बनाएंगे यहां पर वर्किंग नोट। आइए जी, आ जाओ बेटा, आयुष सही टाइम पे आए हो, बस रेल समझ लो चली दी। आइए जी, हाँ सर, क्वेश्चन दिखा दो। कावेरी, कावेरी तुम अभी सो के नहीं उठे हो क्या, सुबह 3 बजे तुम्हारा मैसेज था, शैतान। आ जाओ जरा, ये क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारे पास बुक नहीं है क्या, मैं तो इतने दिन की छुट्टी भी की। आई जरा, लो जी, की एल एम और एन ये पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है जी, प्रॉफिट लॉस का 4:1:2:3 ये रेशियो है बेटा। बैलेंस शीट, बेटे बैलेंस शीट है, आ जाओ बेटा, बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की, 31 मार्च 2020 की। अच्छा, अब बेटा बैलेंस शीट में देखो, हमें बैलेंस दे रखे हैं काफी सारे, हाँ, और कब फर्म डिसॉल्व हुई बेटे, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पढ़ो, मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटे, ऐसे डेट्स का ब्लॉक बनाना, ऐसे इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, जब भी मैं आपसे बोलूं ना बेटे डेट्स का ब्लॉक बना लो, तो ऐसे बनाना, उससे क्या होगा, हमें पता रहेगा कि इतनी डेट की ट्रांजैक्शन है। एक अकाउंट में एक वर्ड था शुरू से एक वर्ड था, क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
हमेशा अकाउंटिंग हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, यानी कि अभी अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो कि बैलेंस शीट दे रखी है पिछली किसी डेट की और डिसोल्यूशन करा रहे हो आज की डेट पे, तो उस बैलेंस शीट को पहले आज की डेट पे लाना पड़ेगा और वो बच्चा बड़े आराम से इस काम को कर लेगा जो बच्चा डेट्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मतलब हाईलाइट करके चलता है कि हाँ भाई किस डेट पे काम हो रहा है। पता चला डिसोल्यूशन हो रहा है आज और बैलेंस शीट दे रखी है पुरानी और उसने आंख बंद की और शुरू हो गया स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू दे दना दन दे दना दन, फिर बाद में कहता हाँ ये क्या हो गया है। तो ध्यान रखना ऐसा नहीं होना चाहिए बेटे, आगे बढ़ो, हर चैप्टर में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा, कह रहे फर्म डिसॉल्व हो गई जी, हाँ जी ठीक है बेटा, तो फर्म डिसॉल्व हो गई जी, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट डेफिशिएंसी जो भी होगी इंसॉल्वेंट पार्टनर की विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एज दे स्टैंड जस्ट बिफोर डिसॉल्यूशन। वाह 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 वाह, ये मेरे लाल काले नीले पीले क्या लिख रहे हैं, चारों के चारों एग्रीमेंट में वही बात लिख रहे हैं जो गार्डनर वर्सेस मर्रे में लिखी हुई थी। कह रहे हैं हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, अच्छा क्या, कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ ना तो उसका लॉस जो है ना बाकी लोग किस रेशो में बांटेंगे, कैपिटल के रेशो में जो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन है। ठीक है, बढ़िया बात है, देख रहे हो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया। काश यहाँ पे किसी क्वेश्चन में चेंज आए और वहां पर क्या हो रेशो दे दे कि इस रेशो में बांटेंगे, तो बेटा ध्यान रहे जब एग्रीमेंट में कोई बात लिखी होगी तो वो सर्वोपरि। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहां तक का पैराग्राफ कोई हमारे लिए कोई ऐसे बड़ी तूफान चीज नहीं है, क्वेश्चन लेंथी करने के अलावा कुछ नहीं किया यहाँ पे। आइए जरा फिर क्वेश्चन में क्या कहा, द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स, एग्रीमेंट नहीं बेटे, कई बच्चे ने इसे एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं, ये अरेंजमेंट्स हुए क्या, ये डिसाइड हुआ कि की तो लेके जाएगा 60% डेटर्स को, क्या 60% डेटर्स को 60% डेटर्स को आ जाओ जरा, और कितने पर लेके जाएगा एट 70%। ये तो गंदी बात हो गई, सर ने नाम बता दिया, चलो आओ जरा बेटे डेटर्स कितने के हैं देखो जरा, सर डेटर्स तो 35,000 माइनस 5,000 30,000। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहली बात यहां पे बच्चों से क्या गलती होती है, क्या गलती होती है, बच्चा जो 70% निकालेगा जो 60% निकालेगा वो किसका निकालेगा। नंबर वन, पहले तो मुझे 60% डेटर्स बताओ, बच्चे का डाउट क्या आता है, सर हाँ मैं जो 60% निकालूंगा हाँ वो मैं इसका निकालू 60% या किसका निकालू, मतलब ये जो 60% निकालना है ये इसका निकाले या इसका। मैंने कहा तुम बताओ डेटर कितने के हैं, सर डेटर तो 35,000 के हैं, उस पर शक हमने 5,000 का कर रखा है, बस मैं यही कह रहा हूं कि डेटर कितने के हैं। तो बच्चों ये गलती आप मत करना, मैंने बहुत से बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है, इवन कुछ जगह पर मैंने कुछ पर्सन को देखा है जो गलती से इसको क्लास में ऐसे बोल देते हैं। एनीवेज कम टू द पॉइंट, तो मेरी बात सुनिए बच्चों ध्यान से, डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स की बुक वैल्यू पे कंसीडर करना है, यहां पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स तो उस पर एक शक है, हमारा प्रॉफिट हमने उठा के रख दिया कि हो सकता है कल को पैसे मार ले, रिजर्व फॉर बैड डेट्स तो वो एक अलग चीज है। तो ध्यान से बच्चों, वेरी वेरी गुड बेटा शाबाश, तो 35,000 का 60% आएगी जो बुक वैल्यू, बताना जरा कितने की आएगी। अरे यार एक मिनट रुको, आप लोग निकालो जल्दी से, मैं हम करेंगे हाँ तो करो ना, 35,000 का 60% कोरोना कर दिया, हाँ कितना है जी 21,000, 35,000 का 60% आता है बेटा 21,000। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, अब मैं एरो को थोड़ा चेंज करता हूं, क्या सर अभी तीर इधर चल रहा था अब तीर उधर चलेगा, अच्छा सर ये इसका 60% कितना होता है 21,000 होता है, और सर बाकी के 40% का क्या हुआ, मैंने कहा तुम लिख के पहले रख तो लो, 40% कितना होता है जी 14,000, बुक वैल्यू 14,000 का क्या हुआ डेटर्स की, और बुक वैल्यू 60% 21,000 का क्या हुआ, अब वो बता रहे हैं, कह रहे हैं क्या भाई साहब एन लेके गया, एन ने क्या कहा ये जो 60% डेटर्स है ना कि हाँ जी, ये जो 60% डेटर्स है ना कि हाँ जी, ये जो 60% डेटर्स है ना हाँ, ये क्या हो रहा है, ये जो 60% डेटर्स हैं उसको कितने पर लेकर के गया वो, उसने कहा पहले 60% निकाल लो, मैंने कहा निकाल लीजिए, कह रहे इसको वो लेके गया सस्ते में, अच्छा हाँ इसको लेके गया इस 21,000 का 70%, उसने मान लिया
कि ये सभी लोग पैसे नहीं देंगे, जो 21,000 की बुक वैल्यू वाले डेटर्स हैं वो सिर्फ 70% देंगे। वो ये बात कह करके हिसाब किताब करके लेके गया, 14,700 रुपये में वो उन डेटर्स को लेकर के गया। नंबर एक बात, नंबर एक बात। आइए अब आगे बढ़ता हूं। अब जो ये बाकी के 60-40% है, इसका क्या हुआ? मैंने कहा जरा हिसाब किताब कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को जो प्रॉब्लम वाले एरिया है ना, मैं समझता हूं कि पहले ना वो ही डिस्कस हो जाए, तो बच्चा फटाफट मलाई की तरह क्वेश्चन किया जाएगा। सर मलाई हम खाते नहीं। कोई बात नहीं, दूध पीते होंगे, दूध की तरह से फटाफट क्वेश्चन करता रहेगा, गटक जाएगा। आओ जरा, तो 60% का हिसाब किताब हो गया जी। हाँ जी, और अब बात बताते हैं क्या। एन एन कहा कि मैं भी डेटर ले जाऊंगा, मैं भी डेटर ले जाऊंगा। एन इज टू टेक ओवर बैलेंस, मतलब 14,000, मतलब बात कर रहे हैं किसकी? 14,000 की बुक वैल्यू की। अब ये जो मिस्टर एन है, ये कितने परसेंट लेके गए बताओ इसका मतलब? सर ये बाकी के जो 40% है डेटर्स, हाँ उन्हीं की बात तो बता रहे हैं, यानी कि बाकी के जो 40% बचे थे ना डेटर्स, हाँ वो कितने की बुक वैल्यू के बचे थे? सर ये है बुक वैल्यू 14,000। हाँ तो ठीक है, मैं उसी की बात बता रहा हूँ कि ये 14,000 रुपए की बुक वैल्यू वाले जो डेटर्स बचे हुए थे, जिसको मैं कह सकता हूँ टोटल डेटर्स का 40%, टोटल डेटर्स का 40%, क्योंकि 60% का तो हिसाब किताब की नहीं कर लिया, तो टोटल डेटर का 40% वो 14,000 के बचे हुए थे। तो 14,000 वाले डेटर को कितने पर लेकर गया? कह रहे हैं यहाँ पे पढ़ लो ना, पढ़ लो ना, पढ़ लो ना। वो लेके गया था किस पे? एट 70% पे लेके गया। और ये कितने पे लेके जा रहा है? एट 75%। वाह 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 वाह। तो बेटा आइए, 14,000 जो बची थी बुक वैल्यू, उसका कर दो ना, करो ना, कर दो ना 75%। कितना हो गया जी? 10,500। वाह 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 वाह, वेरी गुड। बच्चों का आंसर बिल्कुल एकदम बिंदास है, एकदम सही है जी। तो जो प्रॉब्लम वाले एरिया है, मैं चाहता हूं उसको जरा एक बार डिस्कस कर लें और फटाफट निपटाते चले। एक और बात इसी पॉइंट में लिख रखी है, क्या? फर्दर, यानी कि जो ऊपर की और एन के साथ में बात की गई है वो तो है ही है, फर्दर उन्हीं के लिए कुछ और बात भी कह रहे हैं। क्या? कि क्योंकि वो उस डेटर से मेहनत करेंगे, पैसा रिकवरी करेंगे, दुनिया भर के उनसे लड़ाई झगड़े करके तब वो पैसा लेके आएंगे, तभी पूरे नहीं आएंगे। उस पैसे को भी रिकवर करने में उनको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे आने जाने में। तो बेटे ये सब बातें उसने बताई नहीं है। इसके लिए हम चाहते हैं क्या, फर्म में आपस में सबने डिसाइड किया, चारों लोगों ने बैठ के, कि चलो भाई ठीक है, एक काम कर रहे हो, जब तुम इतनी मेहनत करोगे तुम्हें हम 2100 रुपये और 1100 रुपये तुमको दे देते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम्हारा लॉस होने वाला है, डेटर पैसे पूरे नहीं देंगे। ठीक है जी, तो यहां पर एक तरह से इनको अलाउ किया गया, दे आर टू बी अलाउड, क्या उनको 2100 रुपये और 1100 रुपये टू कवर फ्यूचर लॉसेस। ठीक है जी, सर ये फ्यूचर में कहां? सर ये तो आज ही हो रहा है। बेटे सुनो मेरी बात, पार्टनरशिप फर्म में क्या लिखा है कि इन डेटर की जिम्मेदारी मेरी, मैं लेके जा रहा हूं, मैं फर्म में इनके हिसाब किताब में मैं ले रहा हूं इनके 60% को 70% पे। दूसरा कह रहा मैं लेके जा रहा हूं, चिंता मत करो, मैं इनसे रिकवर कर लूंगा, कर लूंगा। क्या डेटर आज पैसा दे रहे हैं? ना जी ना, उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं इतने पे ले लूंगा, इनसे रिकवर कर लूंगा। तो फर्म ने कहा फ्यूचर में तुम्हें भाई हो सकता है लॉस हो जाए, है ना, पहले तुम लोग लॉस में कम सस्ते पे लेके जा रहे हो, तो एक काम करो, क्या तुम्हारे 2100 तुम रखो और 1100 तुम रखो, तुम बढ़िया काम करोगे, फर्म को चक्कर नहीं कटने दोगे, यानी कि इतने रुपए और उनके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। चलिए बेटा पॉइंट में अभी डिस्कशन कर रहा हूं, तो अभी डाउट पूछ लेना प्लीज, बाद में इसी पॉइंट को फिर आप रिपीट करोगे कि सर पूरी डिटेल में बता दो, तो आई एम सॉरी, देखो फिर दिक्कत होगी, बाकी बच्चों को दिक्कत होगी जो कंसंट्रेटली सुन रहे हैं। तो पॉइंट नंबर ए में कोई डाउट है बताओ जल्दी से, वरना लिखो पॉइंट नंबर ए ओके, पॉइंट नंबर ए ओके, या पॉइंट नंबर ए में क्या डाउट है जल्दी से लिखो बेटे फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा हिसाब किताब हो चुका है बैलेंस शीट में, किस किस का जी, किस किस का? सर हमारा ना हिसाब किताब बैलेंस शीट में ना, सर देखो सर कैश बैंक का तो कोई हिसाब किताब करना ही नहीं होता, डेटर्स का करना होता है, वो हो गया है। अच्छा ठीक है सर, अब क्या बचा? सर अब तो एक ही असेट्स बच रही है, असेट्स, अदर असेट्स। अदर असेट्स। अदर असेट्स। तो अगर क्वेश्चन इसकी बात भी बता दे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। हाँ अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा, पहले तो ये देख लो, क्या मिस्टर एन जो है ना, एन हाँ जी, उनको ये बोला कि भाई साहब आप एक काम कर लो ना, ये बाकी के असेट्स भी बिकवा दो और क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का काम भी आप ही निपटा दो।
आ गया ना देखो डाउट, मैं इसीलिए बोल रहा था कि सारे बच्चों से इसीलिए लिखवाता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है ये, अभी एक गाड़ी आगे निकली, 70% प्लीज एक्सप्लेन कर दो सर। ओके बेटा आइए मैं दोबारा से कर देता हूँ। बेटा देखो बेटा ये टोटल डेटस कितने के हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये टोटल डेटस कितने के हैं, मैं ब्लू कलर नहीं ब्लैक कलर चूज करता हूँ। बेटे टोटल डेटस कितने के हैं, 35,000 के, सुनना ध्यान से मुस्कान, टोटल डेटस कितने के हैं बेटा, 35,000 रुपए के, ठीक है। 35,000 के 60% डेटस कितने होते हैं, 21,000, ये रहा जी 21,000, ये रहा जी 21,000। इस 21,000 की वैल्यू को मतलब आप 60% भूल जाओ, बट अब याद रखो 21,000 रुपए के डेटर, वो तो कैलकुलेट करने का तरीका है कि डेटर्स में से 60% डेटर्स को इधर बैठा दो, क्या नाम है इनका, 21,000। इस 21,000 से हम कितने पर लेंगे, कितनी रिकवरी कर लेंगे, 70% रिकवरी कर लेंगे, यानी कि इस 21,000 का 70% जो है, 21,000 का 70% होता है बेटा 14,700, कितना 14,700। तो जो मिस्टर की है, मैं हाईलाइट करूंगा उस पर फोकस करना, ये जो मिस्टर की है उन्होंने कहा कि मैं लेके जा रहा हूं 60% को, 60% डेटर्स मतलब 21,000 के डेटर्स को मैं लेके जा रहा हूं और उनसे मैं रिकवरी कर लूंगा, मेरे पास आ गए समझ लो 14,700 आ गए। वो 14,700 निकालने का एक तरीका है कि 21,000 का 70% कर देंगे, यानी कि जो 60% डेटर्स हैं, यानी कि जो 21,000 रुपए के डेटर्स हैं वो कितने परसेंट पर रिलाइज होंगे, 21,000 का 70% यानी कि 14,700। बेटे मुझे बताना मुस्कान, ये बात ओके है तुम्हें, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। सेम कहानी क्या है बाकी बचे हुए डेटर्स की, कि टोटल 35 के डेटर थे, उसका 40% मतलब 14,000, 21,000 हटा के बाकी बचे 14,000, 14,000 को कितने पे लेके जा रहा है, 75% पे। तो 14,000 का 75% होता है बेटे 10,500, वो कौन लेके जा रहा है, एन, कौन, एन, ई डबल एन, एन। मुस्कान मुझे बताओ बेटा जल्दी से, ये बात ओके है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, यस सर क्लियर है, ओके बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मिस्टर एन है, अब बेटा बैलेंस शीट में देखो एक ही असेट्स बची है, अदर असेट्स है ना, मुझे बताया कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और वो कर लेंगे पहले से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा, यही तो चाहते हैं हर टीचर, प्लीज आप बाकी बच्चे लोग करते रहे आगे बिंदास करें, है ना, आइए जरा तब मैं तो सब बच्चों को साथ में लेके आऊंगा। बेटे एन क्या कहता है, एन एन को यहां पर रखा गया कि जो बाकी के असेट्स है ना, अदर असेट्स, हाँ जी एन जी, हाँ जी एक काम कर लो ना, अदर असेट्स को रियलाइज कर लो। सर एन को हाईलाइट कर रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एन लेके जा रहा हूं, लो मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, एन को रखा कि दूसरी असेट्स रियलाइज कर लो और भाई पे कर दो क्रिएटर्स का, ये काम तुम निपटा दो, उससे क्या होगा कि सबको भागना नहीं पड़ेगा। हाँ जी बेटा बिल्कुल दिखाना पड़ेगा बाबू, यस यू आर राइट दीक्षा, वेरी गुड, तो करो वर्किंग नोट बनाओ, 5% कमीशन दिया जाएगा उस आदमी को मेहनत करने का, मिस्टर एन को 5% कमीशन दिया जाएगा, किस पे, जो अमाउंट तुम दूसरे डेटर की जेब में डालोगे। लेकिन ध्यान रखना जब कमीशन ले रहे हो तो अब रिलेशन एक्सपेंस में क्वेश्चन आएगा ना, नहीं बोलता कुछ और रिलेशन एक्सपेंस दे देता तो हम मानते कि भाई साहब फर्म बियर कर रही है, फर्म पे कर रही है, लेकिन यहां पर क्या कह दिया, ओ हो, क्या कह दिया, सर इसको ना आप डिफरेंट कलर से हाईलाइट करो ताकि हमें अलग दिखाई दे, यहाँ पे ये कह दिया कि भाई खर्चा तुम्हें ही बियर करना पड़ेगा रिलेशन का, जो यहाँ पर क्वेश्चन ने बाद में बताया है 3,000 रुपये। ओ हो ये बात है, यानी कि खर्चा तुम्हें ही बियर करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन ने बता दिया, और क्वेश्चन ने आगे चल के बताया कि रिलेशन एक्सपेंस 3,000 के थे। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या, फर्म में रिलेशन एक्सपेंस की एंट्री होगी क्या, होगी क्या, आंसर इज नो, क्योंकि ये पेड बाय पार्टनर है और बियर बाय भी पार्टनर है, बियर भी पार्टनर बियर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर साफ साफ बोल दिया गया कि भाई पार्टनर जी आपको हम कमीशन दे रहे हैं आप ही बियर करना, फिर फर्म क्यों पे करेगी, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, शाबाश बेटा, नो एंट्री, वेरी वेरी गुड, नो 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 एंट्री। सर कमीशन तो बताओ, हाँ बेटा कमीशन तो जाएगा देखो, लेकिन एक बात बताओ, जिस पार्टनर को पैसे मिलेगा वही तो कमीशन बियर करेगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस। मतलब अगर मैं छोटे बच्चे को बुलाऊं कि तुझे मैं 10 टॉफी दिला रहा हूं दुकान से, तू 10% टॉफी मेरे को दे देना, है ना, तो बताओ जिस बच्चे को टॉफी दिलाऊंगा वही तो मेरे को एक टॉफी देगा 10 में से, और जिसको टॉफी नहीं दिलाऊंगा वो क्या कहेगा मुझे नहीं दिलाई, उल्टा वो मेरे से नाराज होगा, क्या वो मेरे को टॉफी देगा, नहीं,
यही काम यहां पर है। तो अगर कमीशन की बात हुई कि फाइनली पेबल टू अदर पार्टनर के बेस पे कमीशन होगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा जिसको टॉफी नहीं मिली वो टॉफी दे दे, यानी कि कभी भी रिलेशन में ही खर्चा नहीं डाला जाएगा, क्योंकि पेमेंट तो सबको नहीं हो रहा है, पेमेंट हो रहा है सिर्फ एक पार्टनर को, तो बियर भी वही करेगा। आइए जरा, तो ये डाउट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अदर असेट्स रिलाइज हुई, चलो जी ठीक है आपने एन को रखा, भी बताओ एन ने क्या किया, कह रहे कि अदर असेट्स बिक गई, अच्छा कितने पर, कह रहे अदर असेट्स जो रिलाइज हुई वो ऐसे रिलाइज हुई, क्या अदर असेट्स रिलाइज एट ए लॉस ऑफ 2%, कह रहे 2%, सर इसका मतलब 100 रुपए की चीज अगर मैं 2 रुपए घटा दूं तो यानी कि इसका मतलब सर वहां पर 98 रुपए रिलाइज हुए। काश ही इतनी बात बोल के चुप हो जाता, ये अगले वर्ड ना लिखता, ऑन नेट कलेक्शन मतलब क्या कि लॉस घटाने के बाद में आता है नेट, लॉस घटाने के बाद में आता है नेट, है ना, कायदे से देखा जाए। तो ये क्या कह रहा है कि देखो भैया बहुत सीधी सी बात है, क्या अगर 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 टोटल जो अमाउंट मिली, हाँ जी टोटल जो बुक वैल्यू है, हाँ जी उसमें से मैं लॉस घटा दूं, हाँ जी, तो पता चल जाता है ना कितने नेट मिले, नेट रिलाइज, हाँ वही तो होता है हमेशा सर, यही तो आता है, बस क्वेश्चन कभी हमें ये नहीं बताता कितने रुपए कम, वो सीधा हमें नेट रिलाइज वैल्यू देता है। अच्छा मैं इधर हो गया, स्क्रीन पे आ गया था ना सामने। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई साहब देखो ये जो 100 रुपए है ना, ये इसका 2% ये होगा, 2 रुपए यानी कि ये कितने होंगे 102, क्योंकि नेट का 2% है, यानी कि नेट मतलब लॉस घटाने के बाद वाली जो फिगर होगी वो कलेक्ट होगी, हाँ उसका 2% लॉस हुआ, यानी कि टोटल जो बुक वैल्यू है जो कितने की है 51,000 की, हाँ तो ये जो 51,000 है ये किसके बराबर है 102, यानी उससे रिलाइज कितना हुआ। तो भाई उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा क्या कि जो 51,000 रुपए है वो है 102 के बराबर, तो हमें छांटना है कितने रुपए है 100, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई 102, क्या कहा मैंने 51,000 जो है वो बराबर है किसके 102 के, तो इसमें से 100 कितना, यानी बेटे वो 50,000 रुपए रिलाइज हुए, इसका मतलब ध्यान रखना। तो सर और कोई पॉइंट सर इसमें, एक लास्ट पॉइंट बचा है बस, चलो उसको भी बात कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। कहते हैं क्या जो क्रिएटर्स है, हाँ जी जो क्रिएटर्स है, हाँ जी कह रहे क्रिएटर्स को पेमेंट किया और उससे 30% की डिस्काउंट ले ली, यानी इसका मतलब क्या है बेटा जो हमारे क्रिएटर्स हैं वो कितने के हैं, देखो जरा सर क्रिएटर्स तो 30,000 रुपए के हैं, हाँ तो यानी कि जब 30% की डिस्काउंट ले ली तो इसका मतलब 70% उनको पे किया, यानी कि बेटे 21,000 रुपए का पेमेंट किया गया, कितना सिंपल कितना सिंपल कितना सिंपल। एक लास्ट बात और कर ले और फिर हम करते हैं, जरा तूफान मचाते हैं, आइए जल्दी जल्दी स्पीड से बढ़ाते हैं। क्या सर बताओ, बताओ ना सर बताओ ना, लो बेटा एल का विकेट गिर गया, क्या कहा मैंने एल इंसॉल्वेंट हो गया, और ऐसे केस में 20% 1 रुपए में से रिलाइज हुआ उसकी संपत्ति से, यानी ये जो डिविडेंड वर्ड है, डिविडेंड वर्ड है इसका मतलब क्या है, अंश, लाभ का अंश होता है कायदे से कंपनी के किस में आता है, लेकिन बेटे इसको यहां पर भी यूज किया जाता है, जैसे रेशो है ना, रेशो कायदे से हमारा रेशो का चैप्टर होता है, सर हम तो जीपी रेशो एनपी रेशो, हाँ लेकिन बेटे कभी कभी वो रेशो वर्ड कहीं और जगह भी तो यूज हो सकता है, हमेशा ट्रेडिंग पीएनएल में थोड़ा ना होता है। जैसे क्लास में कितने बॉयज और गर्ल्स का रेशो है, उसमें से भी कितने बॉयज ऐसे जो कॉमर्स साइड के हैं, कितने बॉयज हैं ऐसे जो नॉन कॉमर्स के, तो रेशो वर्ड तो कहीं भी यूज हो सकता है ना। ठीक वैसे बेटे डिविडेंड जो है अंश, शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, तो क्या कहा वहां पर शेयर ऑफ लॉस में यूज हो रहा है कि भाई साहब उसकी स्टेट से 20% 1 रुपए में रिलाइज हुआ, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज थी तो 20 पैसे मिल गए, 20 रुपए मिल गए, यानी कि 80% नहीं मिले, 80% नहीं मिले, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी का लॉस होगा, जो उसका हिसाब किताब निकल रहा होगा, जिसको लाना होगा उसको बाई बैंक करना होगा, वहां पर सारी अमाउंट बाई बैंक नहीं हुई, सिर्फ 20% हुई बाई बैंक, ये कहना चाह रहा है इसका मतलब। ठीक है तो शुरू करें, आओ बेटे आओ कराओ फटाफट से, जल्दी 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 तो शुरू करें। लो बेटा स्टेप नंबर 1, ओहो वाह वाह, कई बच्चों ने कर भी लिया होगा, मुझे बताया फर्म का नाम क्या है जी, नहीं बताया, लो जी स्पीड बढ़ाओ, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
हाँ जी, क्या है जी ये, बेटे साफ साफ लिखना, हम लोग यहां पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो इजी ना हो। वेरी गुड शुभम, बस प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ये बात ध्यान रखना। क्या प्रेजेंटेशन सही तो सब करते हैं, वाह वाह, फिर सबके नंबर सेम क्यों नहीं आते? सर कोई बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा होता है, कोई बहुत 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 अच्छे से प्रेजेंट कर रहा होता है सर। तो मैंने कहा बेटे वहीं से तो नंबर का वेरिएंस चेंज होता है। ओ फिर अगला क्वेश्चन, एग्जाम से पहले बच्चा क्या पूछता है, सर सर एक बात समझ में नहीं आ रही, हम एग्जाम में लिख के कैसे हैं नालायक, जो क्लास में कर रहा था वो वैसे ही तो कर रहा था, तो वैसे लिख के आना, प्यारे वाला नालायक है, कभी तुम कहो बाहर आ। आओ बेटे, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, लो जी स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर कर दो क्या बुक वैल्यू, एक्सेप्ट कैश बैंक ओवरड्राफ्ट पार्टनर लोन। हाँ जी, कैश कहाँ भेजें सर, उसको दो कैश अकाउंट में। अच्छा कैश अकाउंट में, लो बेटा जी, आ रहा हूं आ रहा हूं, आ जाओ जरा, रिसीप्ट, पेमेंट्स, अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर कीजिए बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स। आइए जी, क्या कैश है कितने का, 14,000 रुपये का, लो बेटा जी, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। अच्छा फिर डेटर्स, डेटर्स और उनकी पूछ, आइए बेटा, टू डेटर्स, टू सन्डरी डेटर्स और उसकी पूछ, बाई रिजर्व फॉर डिस्काउंट या फिर रिजर्व फॉर बैड डेट्स, क्या है जी यहाँ पर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, चलो तो वही वर्ड यूज करो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स हैं कितने के, डेटर्स हैं 35,000 के, और बेटा जी 5,000 की प्रोविजन है बेटा जी। नेक्स्ट, डेटर्स के बाद में अगला नंबर है अदर असेट्स का, टू अदर असेट्स है जी, कितने रुपए की बुक वैल्यू है जी, 51,000 की है जी। अब लाइबिलिटीज की बात कर लो जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स बस एकमात्र लाइबिलिटी है जी, वाह 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 वाह, कितने रुपए के हैं, ये हैं जी 30,000 रुपए के। आओ बेटे, स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा हुआ, स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर ओनर्स रिलेटेड अकाउंट टू ओनर्स अकाउंट, पहले जी ओनर्स अकाउंट का नाम लिख लेते हैं जी, ओल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या क्या नाम है जी, की एल, बहुत बुरे नाम है जी, एम एन, बोलते हुए मन नहीं लगता जी। अच्छा जी, की एल एम एन, वेरी गुड दीक्षा, आ रहा हूं बेटा, लो जी स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर ओनर्स रिलेटेड अकाउंट टू ओनर्स अकाउंट बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, बेटा इसका कितना है, 70,000 है ना, और उसका कितना है जी, एन ध्यान से लिखना, एन इसका है जी 30,000 है, ध्यान रहे कभी इधर का उधर कर दो, और फिर गाना गाओ दिल गलती कर बैठा है, आ जाओ जरा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यहां पूरे पूरे चांसेस हैं कि बैलेंस इधर का उधर हो जाए, ठीक है, आइए जरा
टू बैलेंस ब्रोट डाउन बेटे एल, फिर 15,000 एम, चलो आ जाओ जरा अगली बात करते हैं। कैपिटल भी हो गई, हाँ स्टेप नंबर टू हो गया, हाँ बिल्कुल। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू। अच्छा हुआ है फेस टू फेस में नहीं कर रहे हो ना तुम लोग, वो शैतानी करते हैं। हाँ पूरा गाना गाते फिर, नहीं नहीं सर पर सब पूरा पहले पूरा गाना गाते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ आ जाओ जरा, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री बेटे रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटी। वाह 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 वाह, रियलाइज द असेट्स पे ऑफ द लायबिलिटी। क्या क्या है जी यहाँ पर? रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटी। लो बेटा कौन कौन लेके गया जी? एक तो सर ये की लेके गया, बाई, क्या बाई कीज कैपिटल, बाई कीज कैपिटल बेटे क्या लेके गया बोलो? डेटर्स लेके गया, ठीक है डेटर्स लेके गया बेटे। यहीं पे कर दूं या तो वर्किंग नोट बना लो, चाहे यहीं पे कर लो जैसे तुम्हारा मन करे। वर्किंग नोट बना लेते हैं सर, तभी सर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आओ बेटा, डेटर्स एक बच्चा होगा जो वर्किंग नोट बना के आएगा और दूसरा बच्चा होगा जो बिना वर्किंग नोट के करके आएगा। हाँ तो आपको खुद को बताए बेटे किसको कितने नंबर मिलेंगे। टोटल डेटर्स की का 60% और 40% है ना। आइए जरा टोटल डेटर्स कितने के हैं? 35,000 के, 35,000 के, 35,000 का 60% कितना होता है जी? हमने यहाँ पे करा ना निपटाओ से काम को, 21,000। ये क्या है? बुक वैल्यू। क्या है बेटा? बुक वैल्यू। और ये इधर 14,000 क्या है बेटा? बुक वैल्यू। क्या है बेटा? ये बुक वैल्यू। एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू बेटे एग्जाम में आपको तो एक ही कलर चूज करना है तो आप वैसे ही करेंगे। हाँ जी 60% वाले कितने पे लेके गया? 70% पर। एट द रेट ऑफ 70%, इधर एट द रेट ऑफ 75%। और ये अमाउंट कितने की आई? ये आई जी एक की आई 14,700 और दूसरा आई 10,500। 14,700 और जी 10,500। तो भाई इसका जो टोटल हो गया वो कितना हो गया? 5 और 7 12। अच्छा अलग अलग लोग लेके गए ना। रुको, अलग अलग लोग लेके गए ना। ये कौन लेके गया? मिस्टर की। और ये कौन लेके गया? मिस्टर एन। लो जी ठीक है जी। वेरी गुड। आइए जरा तो 14,700 और 10,500, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है बच्चों का इस जोश देख के। तो बेटा 14,700 और 15,000, सॉरी 10,500। लो बेटा 14,700, इधर हम लेके आएंगे क्या? बाई एन, बाई एन, एन कैपिटल। ये भी किस पे बेटा? डेटर्स को लेके गए। और ये डेटर्स जो हुए इसमें आया कितना अमाउंट बेटा? 10,500। गुड बेटा दीक्षा, वेरी वेरी गुड। आइए जरा तो ये तो है रियलाइजेशन। अब इसको हम भेज दें क्या कैपिटल में? हाँ सर बेटे साथ साथ करना वरना फिर गलती हो जाती है, ठीक है ना। कीज कैपिटल में और एन कैपिटल में, इसको मैं रेड पेन से लिखूंगा ताकि आपको अलग से दिखाई दे रिलेशन वाली एंट्री। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर्स वाली बात के लिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर्स वाली बात के लिए 14,700 और इधर कितने? एन वाले में लिखना बेटे। यहां पूरे पूरे चांसेस हैं कि हम गलती से किसी दूसरे वाले कॉलम में लिख दें, पूरे चांसेस हैं। आइए जी एन। अब इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा क्या है जी? अगला पॉइंट है हमारा
डेटर का हिसाब किताब हो गया, अदर असेट्स। आइए बेटा जी अदर असेट्स की बात करें। अदर असेट्स में हमें जो रियलाइज हुआ, अब हम उसकी बात करते हैं। बाई कैश एंड बैंक अकाउंट बेटे, अदर असेट्स अदर असेट्स बेटा, आओ फटाफट से वर्किंग नोट, याद है ना आपको 51,000 थे, आइए जरा इसी में ही, इसके बाद में अगला है हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, अदर असेट्स। अदर असेट्स और यहां पे क्या आएगा बेटा, रियलाइज्ड ना कि एग्रीड, रियलाइज्ड। तो बेटा जी टोटल कितने की है जी अदर असेट्स, बुक वैल्यू की जी 51,000, उसकी जो रियलाइज्ड अमाउंट है, रियलाइज्ड अमाउंट है इज इक्वल टू 51,000 इंटू 100/102। बेटे जो मैंने क्वेश्चन के ऊपर लिख के काम आपको किया था वो सारा वर्किंग का काम है हमारा, 50,000, 50,000। आइए जरा अब भेजो जी इसको कहाँ पे, देखो यहाँ पे बाई बैंक कितने रुपए, 50,000 रुपये। और ये साथ साथ में हम लोग पोस्ट कहाँ पे करेंगे बेटे, रिलेशन के साथ साथ में कैश बैंक अकाउंट में भी पोस्ट करेंगे। आइए जरा ये रहा जी हमारा कैश बैंक अकाउंट और हमने यहाँ पर इसको पोस्ट कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। अदर असेट्स, अदर असेट्स हाँ जी कितना बेटा, 50,000। हाँ जी 50,000 आ गया, आगे बढ़ो जल्दी से और देखो बेटे क्या कहा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने ये कहा कि क्रेटस को भी निपटा दो। लो जी क्रेटस देखो बेटा, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक क्रेडिटर्स, क्रिएटर्स जो हैं वो कैसे आएंगे जी कि जी ये थे 30,000 के, हाँ जी -30% यानी बेटे कितने का, 27,000 नहीं 21,000। और ये 21,000 जो है कहाँ पे आएगा बेटा, कैश बैंक अकाउंट में आएगा। आओ बेटा कैश बैंक अकाउंट क्या लिखोगे, बाई बाई रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स 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 कितने रुपए, 70,000 सॉरी 21,000। उम्मीद है यहां तक सब ओके है आपका, चले आगे। आइए जी स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया, अब है स्टेप नंबर 4। चलो जी रिलेशन अकाउंट को पैक करो, इसका टोटल करो जी किधर का ज़्यादा है जी, सर इसका टोटल जो है अभी करते हैं कितना आ रहा है जी, 35,000। अच्छा एक तो रह गया, अरे 2100 रुपये रुको एक चीज़ रह गई, टू कीज कैपिटल वो जो 2100/1100 रुपये अलाउ किए थे ना, हाँ वो रह गए, टू किसी ने बताया भी नहीं, आई जरा टू कीज कैपिटल और क्या टू एंस कैपिटल, कितने रुपए बेटा, 2100 रुपये इनको अलाउ होंगे और जी 1100 रुपये इनको अलाउ होंगे। जरा ये इस बात की हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट में भी पोस्टिंग कर ले। लो जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन फर्दर
या फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर लॉस, फ्यूचर लॉस के लिए इनको अलाउ किया गया कि चलो भाई ये पैसे तुम रख लो। हाँ जी, की को मिल रहे हैं 2100 रुपये और जी एन को, है ना, एन को मिल रहे हैं कितने, 1100 रुपये। चलो जी यहां तक सब ओके है। हाँ जी बैंक में, बिल्कुल बेटे, ठीक है, रिलेशन का मतलब ये है कि हम लोग बैंक में, जब तक कुछ होना बोले। आइए आगे बढ़ते हैं। लो जी, कई सारे टेक्निकल पॉइंट हैं उन सभी क्वेश्चंस में जो मैंने अपने असाइनमेंट में कलेक्ट कर रखे हैं। बेटा फटाफट से टोटल करो रिलेशन अकाउंट का। लो जी टोटल करना, 35,000 प्लस 51,000 प्लस 2100 प्लस 1100 प्लस 21,000, 110,000, 110,200। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको जो सॉल्यूशन दे रखे हैं ना, वो इसलिए दे रखे हैं कि आप अपने सॉल्यूशंस को मैच कर लें। कुछ जगह पे मिसमैच मिलेंगे, सब जगह पे नहीं, लेकिन आप अपने सॉल्यूशन को मैच करेंगे। 90% तो बिल्कुल सही है, 90% से ज़्यादा लगभग कुछ परसेंटेज है जो यहाँ पर मिसमैच मिलेंगे आपको, तो आप बेटे आंसर आराम से बिंदास मैच कर सकते हैं। जहाँ दिक्कत होगी वो मैं बता दूंगा। दोनों तरफ का टोटल सेम है जी। हाँ जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो कि आप ना सॉल्यूशन बनाए ना, वहीं पे टिका टिक कर ले, परेशान हो जाओगे फिर। आइए जरा, क्या कोई प्रॉफिट या लॉस आया? नहीं बेटा आया नहीं। कोई कसम खिलवाई थी मोमबत्ती पे हाथ रख के? हम कसम खाते हैं क्वेश्चन में जरूर निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, आ ही नहीं रहा तो कहाँ से निकालेंगे। जब आ नहीं रहा है तो पार्टनरशिप बटेगा नहीं, जब बटेगा नहीं तो लॉस नहीं है तो फिर कैश बैंक लाएंगे नहीं, फिर भी बेटे पार्टनर इंसॉल्वेंट है। याद है मैंने कल आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि रिलेशन में लॉस हो तभी हम लोग पार्टनर इंसॉल्वेंसी में खेलेंगे क्वेश्चन में। जी नहीं, जहां पर रिलेशन का लॉस नहीं है वहां भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है अगर उसका ऑलरेडी इतना डेबिट बैलेंस है तो। आइए जरा, ये क्वेश्चन आपके सामने है इसी तरह का। अब यहां पे क्या है नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है कि भाई जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। कौन है जी वो पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो गया है? आइए जरा, मिस्टर एल, एल सबसे लास्ट में पढ़ो, मिस्टर एल। तो मैं एक काम करूं, स्क्रीन से बाकी सारे हाईलाइट्स हटा दूं ताकि आपका फोकस अब जो अब आगे आने वाली चीज है उस पर रहे, है ना। लो जी ये सारे काम तो आप कर चुके हैं, अब आपका ध्यान जो है इधर रहेगा उस चीज पर जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए था। लो जी मैं सारी चीजों से हटा देता हूं और आपका ध्यान इधर रहेगा। लो जी ये रहा, क्या सर बताओ? बेटा ये मिस्टर एल ना इंसॉल्वेंट हो गए, एल जो है वो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। एल जो है मिस्टर एल, ई डबल एल एल, इंसॉल्वेंट हो गए और 20% रिलाइज हुआ उनसे, यानी कि बाकी का 80% रिलाइज नहीं हुआ। सीधी सी बात है, क्या बाकी का 80% रिलाइज नहीं हुआ? तो अब इसमें क्या करें, आओ जरा मिस्टर एल का पहले देख लें स्टेप नंबर वन। याद है आपको मैंने क्या लिखाया था कि वहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन का लॉस डिटरमाइन करेंगे। तो खाली एल जो इंसॉल्वेंट है उसका अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, पैक करते हैं। ये है बेटा इंसॉल्वेंट। बेटे आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे, ये अनफेयर मीन माना जाता है। ऐसे कोई भी स्माइली या कोई भी सिंबल, मतलब कॉपी विदहेल्ड कर देते हैं, रोक लेते हैं वो, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो बस आपको मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये इंसॉल्वेंट हो गया, ताकि आपको ये अलग से दिखाई दे कि हाँ भाई बात इसकी कर रहे हैं सर। तो हम अभी खाली एल का अकाउंट पैक करते हैं। क्या मिस्टर एल ये बताइए, हाँ जी, कि आपके यहाँ पर क्या हिसाब किताब निकल रहा है? इसने कहा निकाल लो जी, टोटल कर लो जी। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा तो हिसाब किताब भी बड़ा खराब हो रहा है। क्या मतलब कि जी देखो, एल को, एल के हिसाब किताब में 20,000 रुपये पहले से ही डेबिट में आ रहे थे। मतलब देखा जाए तो इसको 20,000 रुपये लाना था, 20,000 रुपये का अमाउंट जो है इसको क्या करना था बेटे, लाना था। 20,000 रुपये इसको लाने थे, इसको करने थे बाई बैंक, करना था इसको बाई कैश बैंक करना था, जो ये कर ना सका, ये पैसा नहीं ला सका। सबसे पहले क्या होता है बेटे, हम डिटरमाइन करते हैं लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, वो हमने कर लिया जी। यानी कि ये पैसा नहीं ला रहा है तो इसका मतलब यही है हमारा
लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो हमने पहले इसका नाम रखा लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी। सर हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम भी यूज कर सकते हैं लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी के बजाय, जो जो बियर कर रहे हैं? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी वर्ड लिख लो, या जो जो पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं है ना उनका नाम यहाँ पे कर दो, क्योंकि उनकी कैपिटल से निकल के डेबिट होके यहाँ पे क्रेडिट होगा इसके खाते में, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा चीजों को। तो 20,000 रुपये का लॉस है जी किसका? मिस्टर ई डबल एल एल का, ठीक है। अब ये लॉस बटना है किस में बटना है? सोलवेंट पार्टनर में। सोलवेंट कौन कौन से हैं? मिस्टर की, मिस्टर एम और मिस्टर एन, दोनों लोग हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये जो बटेगा ये किस में बटेगा? सोलवेंट पार्टनर में बटेगा। लेकिन ध्यान रखना होगा, पता चला कोई पार्टनर पहले से ही इंसॉल्वेंसी के किनारे पे है, बस उसका अगर डेबिट बैलेंस है तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, हम पहले यहां पर मन मन में या वर्किंग नोट में दोबारा से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे हम यहां पर। हाँ अभिषेक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर आपने 20% तो रोक लिया। हाँ वो गलत कर दिया, 20% तो रिकवर हो गया ना यहाँ पे, यानी कि 80% है हमारा लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी। यू आर राइट बेटा, 20% तो ला रहा है, यस। तो 20% जो ला रहा है उसको लिख लो पहले एक बार, यू आर राइट, बाई कैश एंड बैंक 20%, यू आर राइट बेटा। कितना आया? कितना कितना, 20 दूनी भाई 4,000, तो लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी कितना है? 16,000, बिल्कुल सही बेटा 16,000। तो जरा एक काम करते हैं, इस 4,000 को जरा पोस्ट कर दें कैश बैंक में, यस। टू क्या नाम है इसका, नाम क्या है इसका, ई डबल एल, ठीक है। 20% ला रहा है यानी 4,000 रुपये लेके आ रहा है, यस ये तो लेके आ रहा है। जो 16,000 है वो हमारा लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी। सबसे पहले तो हमने क्या डिटरमाइन किया कि लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी है कितना, नंबर एक बात। अब ये 16,000 बटेगा किस में बटेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स में। अब सॉल्वेंट पार्टनर है कौन कौन? सॉल्वेंट पार्टनर है कौन कौन? बाकी सारे पार्टनर सॉल्वेंट है, जिसको नहीं बताया कि वो इंसॉल्वेंट है, वो सारे के सारे सॉल्वेंट है। अब यहां पर होगा क्या, सॉल्वेंट में भी तब बटेगा, उस पार्टनर में बटेगा जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा। वो क्रेडिट बैलेंस किस स्टेज पर देखा जाता है, यही वो स्टेज है कि देखना जरा बाकी का एक बार मन मन में करके देखना। आओ जरा मन मन में करके देखें, ये जो अब हम काम कर रहे हैं ये लिखेंगे नहीं, ये बस मन मन में करके देखेंगे। देखें जरा ये जो मिस्टर की है, ये पैसे इसके लाने हैं इसे या ले जाने हैं? जरा इनका अभी हम जो करेंगे वो सारा सारा काम क्या करेंगे बेटे, मन मन में करेंगे। भाई की के कितने आ रहे हैं? 72,100। हाँ तो 72,100 में से अगर मैं घटा दूं, 72,100 में से अगर मैं घटा दूं 14,700, हाँ जी, ये तो 57,400 का इसका बैलेंस इधर से सीडी होगा तो इधर बीडी होगा। बीडी समझते हो? वो नहीं जो तुम समझते हो, बीडी मतलब ब्रोट डाउन, हाँ जी। तो ये होगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका क्रेडिट बैलेंस है, हाँ, यानी ये बियर करेगा, हाँ जी करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये काम हमने मन मन में किया था तो हम इसको हटा देते हैं फटाफट से। हमने हटा दिया और इसका हमने लिख लिया, ये तो भाई सॉल्वेंट के साथ में क्रेडिट बैलेंस वाला है, यानी ये बियर करेगा। अब एल की बात करें, एल तो कह रहा कि मैं तो आप ही के सिर पे बोझ हूं। एम की बात करते हैं, ये थर्ड वाला ई डबल एम एम क्या कह रहा है? कह रहे मैं तो पहले परेशान, तुम और मुझे परेशान करने आ गए। क्या मतलब? देखो मेरा टोटल को बैलेंस करके देखो कि मैं तो ऑलरेडी यहां पर, बस तुम कहो तो मैं भी इंसॉल्वेंट हो जाऊं। ना भाई ना, तुम मत हो ना। देखो एक तो ना उसी के पैसे लाने भारी पड़ रहे हैं, ऊपर से तुम भी हो जाओगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे, लॉस बढ़ जाएगा उल्टा, कि बस मुझे मत छेड़ो, मेरा है डेबिट बैलेंस। ओ तो हमने ये काम मन मन में किया, ठीक है जी ठीक है, ठीक है जी ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, सर क्या हम इसका वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हैं? हाँ कर लो ना, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मतलब सीधी सी बात है, इसका हिसाब किताब तो देखा जाए तो यहीं पे फाइनल हो गया, इसका तो ऑलरेडी यहां पर डेबिट बैलेंस है, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, यानी कि इसमें हिस्सेदारी नहीं की जाएगी। हाँ आ जाओ शैतान इधर आओ। अब बात करते हैं ई डबल एन एन की, एन में देखना जरा क्या, सर एन में देखो जरा, एन का निकाल के देखो मन मन में, मन मन में आओ जरा। इसका हो गया कितना, 31,100, क्या कहा मैंने, 31,100। हाँ 31,100 में से अगर मैं घटा दूं, 31,100 में से अगर मैं घटा दूं 10,500, तो कितना आता है,
20,600 इधर आएगा, उधर से सीडी होगा 20,600 और उधर ब्रोट डाउन हो जाएगा। ओ इसका मतलब ये भी क्रेडिट है ना, यानी सॉल्वेंट के साथ में ये भी क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस वाला है। तो ठीक है जी, हमने ये सारा काम मन मन में निपटा लिया और इनको अब पकड़ेंगे, ये दोनों है क्रेडिट। अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से पार्टनर हैं जिसमें लॉस शेयर किया जाएगा, तो एक काम करें, जिसका डेबिट बैलेंस है और वो सॉल्वेंट है उसे बोलो कैश लिया फटाफट। हमने उससे क्या किया, यहाँ पे कैश मंगवा लिया, इसका काम निपट गया। ये है बेटे क्या 15,000, ये है क्या बेटा 15,000। इससे बेटे हम लोग क्या करवा रहे हैं, कैश बैंक में पैसा मंगवा लेते हैं। ला भाई ला, तू पहले ले आ, अब तेरा हिसाब किताब खत्म। हाँ अब हमारा फोकस किसकी तरफ रहेगा, बस दो की तरफ, की और एन। एल कहेगा मेरी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो भाई, तेरी वजह से सारा रायता फैल रहा है, तो तेरी तरफ तो वैसे फोकस हो जाना है। तो यानी कि दो सॉल्वेंट पार्टनर की और एन, दो लोग फंसे बस। अब इनका हमें चाहिए क्या, कैपिटल रेशियो। क्या चाहिए हमें, कैपिटल रेशियो। अब या तो एग्रीमेंट बताए, अब बाय चांस एग्रीमेंट ने भी वो बता दिया जो गार्डनर वर्सी मरे में कहा था, उसने कहा कि यहां पर हम रेशियो मेंटेन करेंगे। रेशियो तो मेंटेन करेंगे, वो कैसे बियर करेंगे बताओ। ध्यान रहे अभी कमीशन की बात नहीं होगी, जब फाइनली पेमेंट की बात आएगी तब वो कमीशन है यहां पर, ठीक है। तो उसकी बात अभी दिमाग में लाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो बात किसकी आएगी, पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लो, क्योंकि जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके बाद में फाइनल पेमेंट करने चलेगा। आइए जरा, तो जी लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो, चलो करो क्या, कि जी इसका रेशियो कितना है, कि रियलाइजेशन वाली सारी चीजें अगर मैं हटा दूं यहां से तो हम देखें जो सारा काम रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है, तो ये तो 70,000 और 30,000 आया है ना, बिल्कुल सही बात है। यही सारा काम बेटे हम लोग वर्किंग नोट में बना करके करते हैं। वर्किंग नोट में अगर मैं आपसे कहूं कि आओ बेटा हम लोग रेशियो डिटरमाइन करते हैं, तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। चलिए वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। तो कोई भी बच्चा अब ये कहेगा कि सर क्या, सर ये तो पता चल रहा है सर, क्या वर्किंग नोट बनाना जरूरी है? तो मेरा उसके लिए बस एक ही आंसर है कि क्या सारे नंबर लाना चाहते हो, बस तो बना दो। आइए जरा हेडिंग डालना है यहां पर, रेशो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर्स, पार्टनर सॉरी, लिखिए यहां पर मिस्टर की कॉमा मिस्टर, कौन है दूसरा, की एल एम, मिस्टर एम एंड मिस्टर एन, ई डबल एन आर आल दो सॉल्वेंट, बट सिंस मिस्टर एम इज ऑलरेडी हैविंग डेबिट बैलेंस, हेंस लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी विल बी शेयर्ड बाय मिस्टर की एंड मिस्टर एन इन द रेशियो ऑफ कैपिटल
जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, कैलकुलेटेड एज अंडर। बेटे इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व एंड सरप्लस तो है नहीं, इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व एंड सरप्लस तो है नहीं। सही कह रहे हो आशीष, बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन में बेटे कोई रिजर्व एंड सरप्लस तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर जो कैपिटल है वही रेशो बन जाएगा। हाँ, लेकिन उसको बेटे मेंटेन जरूर करना आप यहाँ पे। मिस्टर की और मिस्टर एन, बेटे नंबर सिर्फ सही करके आने के नहीं होते, प्रेजेंटेबल चीज बनाने के भी होते, ध्यान रखना। आपने देखा होगा कई लोग सही भी नहीं करके आते लेकिन फिर भी उनके नंबर आ जाते हैं, वो खुद अपने आप में अचंभित रहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरा तो सही भी नहीं हुआ था फिर भी मुझे एग्जाम में इतने नंबर दे दिए, वाह 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 वाह। दरअसल वो बच्चे नहीं जानते कि नंबर सिर्फ सही करके आने के नहीं, प्रेजेंटेशन के भी नंबर होते हैं। याद है 11th 12th जहाँ पे फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के भी नंबर थे, बिल्कुल। अब एक नलायक पिछले बैच की नहीं, पिछले से पिछले बैच की बात है, कह रहा सर अगर हम तीनों का फॉर्मेट बनाया है, रिलेशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल का और कैश बैंक का, तो भी नंबर आ जाएंगे। मतलब जब सारी मेहनत होगी उसके बाद में फिर से उसने ये क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब है उसने ढंग से क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करी, तभी वो ऐसे मजे ले रहा था। आइए जरा लो बेटे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कितना है बेटे 70,000, इसका कितना है 30,000। कोई और ट्रांजेक्शन ऐसी है ही नहीं कि जो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन में हम लोग वहां पे करें। तो बेटे यही हमारा बैलेंस CDBD हो जाएगा, यही हमारा बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। यानी अगर सर किसी क्वेश्चन में दे रखा हो रिजर्व्स वगैरह बांट दो तो वो हमारा रेशो बन जाएगा, उनको बांटने के बाद में जो बैलेंस आएगा वो हमारा रेशो बन जाता है। फिलहाल यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर है वो स्टार्टिंग से सेम आ रहा है, कोई बीच में रिजर्व सरप्लस बांटने की जरूरत नहीं हुई इसलिए। ठीक है जी, तो आइए बेटा शुरू जाते हैं। ये ऐसे शैतान है, कह रहा है कि सर जैसे आपने बोला ना, हाँ ठीक वैसे ही मैंने भी 12th में पूछा था। आ जाओ जरा, तो बेटा लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी बांटो जरा फटाफट से, आप इसी बात पे, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी वो कितने की है जी, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी ये जी 16,000 की आ रही थी वहां पे। लो बेटा बांटो जरा फटाफट से 16,000। अब ये एक तो बटेगी किसमें, मिस्टर की के खाते में, और दूसरी बटेगी किसमें, EN के खाते में। तो लो जी 16,000 इंटू 70/100, 16,000 इंटू 30/100 11,200। बेटा जिन बच्चों ने पहले कर लिया था आप देखो, आपके शायद हो सकता है कुछ आपको कुछ ऐसा मिला हो कि जैसे आपने प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा बेटर फील किया हो कि हाँ ऐसे हमने जल्दी में कर दिया भले ही, तो प्रेजेंटेशन हमारी मे बी की मिस हो गई हो, है ना। आइए जरा ये कहाँ से होगा बताओ, ये कहाँ से जाएगा बताओ, की और एन इतना इतना कंट्रीब्यूशन देंगे, है ना। आइए जरा इसको शिफ्टिंग कर दें, आइए जरा की के यहाँ से निकलेंगे 11,200 जो मिस्टर की है, ये रहा जी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मेन सॉल्यूशन का पार्ट है। हाँ जी, अब इसमें हम लोग चल रहे हैं और लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी को बांट रहे हैं की और एन में। लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी टू लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर कोई बच्चा यहां पर पार्टनर्स का नाम लिखना चाहता है टू एल कैपिटल तो वो लिख सकता है, और एल के यहाँ पे जाकर के लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी ना करके फिर क्या लिखेगा, दोनों का नाम लिखेगा, की ने कितना दिया बाई कीज कैपिटल, एन ने कितना दिया बाई एन कैपिटल, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से पहले तो टोटल हटा दें क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि इनका बैलेंस निकाला हो। हाँ जी क्या था,
11,200 तो इसके यहां से कट रहे हैं, और दूसरा 4,800 एन के यहां से कट रहे हैं, 4,800। अब करते हैं बेटे अगली बात, क्या सर? आइए बेटा जी, चलिए जरा सर, क्या करें अब? लो हाँ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ये भी अच्छा तरीका है। आइए अब लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी बट गया, अब हम क्या करेंगे यहां पर? अब बेटे फाइनली अमाउंट का लेना देना करेंगे, लेकिन यहां पर एक काम था, क्या ये जो मिस्टर एन है, ध्यान से, ये जो यहां पर अब कमीशन की बात करते हैं, फाइनली जो पेबल है, क्या सर? अब इधर देखो, मिस्टर एन ने ये सारा काम निपटाया, सारी एसेस रिलाइज की, सबका पेमेंट करा, हाँ, उसको 5% कमीशन मिलना है किस पर? ऑन द फाइनली पेबल टू अदर पार्टनर्स, ठीक है? तो यानी कि अब यहां पर बताओ, पेमेंट किस किस को करवा रहा है मिस्टर एन? क्या वो करवा रहा है मिस्टर एल को? ना जी। तो क्या वो मिस्टर एम को करवा रहा है? एम कह रहा है मैं तो घर से लाना पड़ रहा है, मुझे तो 15,000 रुपए, मुझे कहां करवा रहे हो, क्योंकि मेरा तो पेमेंट उल्टा आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं बेटे किसकी, मिस्टर की की, मिस्टर की। तो बेटा जी ध्यान से, जो मिस्टर की है, मिस्टर की जो है, हाँ जी, अब उसकी बात कर लेते हैं। मिस्टर की के केस में कितने रुपए का बैलेंस आ रहा है देखना जरा, एक बार टोटल करो। सर इधर तो सर टोटल हमने किया सर, उसको लाने तो कुछ है ही नहीं। अच्छा बेटा, सर उसका टोटल आया सर 72,100। अच्छा, तो वो घर लेके जाना चाहता है 72,100 में से, जरा एक बार बैलेंस फिगर निकालना, घटा लो। और वो करना चाहता है टू बैंक, करना चाहता है टू बैंक, जरा करना, लेकिन वो सारा पेमेंट एकदम से नहीं कर पाएगा। 72,100 में से 14,700 गए, और माइनस करो 11,200, कितने रुपए आए? 46,200 रुपये। यहाँ पर जो बैलेंस फिगर आ रही है वो आ रही है बेटा 46,200। तो ये क्या कहा गया कि भाई जब 46,200 रुपये का बैलेंस आ रहा है, उसमें से पहले आप ना कमीशन दो किसको? एन को, टू एन कैपिटल, टू एन कैपिटल, क्योंकि तुम्हें तो पेमेंट हो रहा है। हाँ जी, तुम्हें पेमेंट हो रहा है तो तुम ही कमीशन बियर करोगे, और इधर एन के खाते में जुड़ जाएंगे बाई कीज कैपिटल, की कैपिटल से निकल के इतने पैसे उसके यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इस केस में क्या होगा जी? अब ये 46,200 तो बेटे यहां की जो टोटल फिगर है, 46,200 टोटल है। सर ऐसे करेंगे हम एग्जाम में लिख के ना, ये काम वर्किंग नोट में होना है, पहले यहां पे समझा दूं। 46,200 दोनों चीजों के लिए, उसमें कमीशन भी है मिस्टर एन का और पेमेंट भी है जो मिस्टर की घर लेके जाएंगे नेट। बेटे यहां पर जो फाइनली पेबल है उस पर कमीशन है, यानी कि ये जो 100 रुपए की चीज है उस पर इसका कमीशन है कितने रुपए? 2 रुपए, नहीं 5 रुपए, कितने रुपए? 5 रुपए। यानी कि ये किसके बराबर है? ये जो है ये किसके बराबर है? ये बेटा 105 के बराबर है। इसका मतलब ये इसके ये 100 रुपए का अगर उसको फाइनली पे होगा तो उसका 5% इसका इसकी जेब में जाएगा, यानी कि ये पेमेंट टोटल है जिसमें से उसका कमीशन भी जाना है और उसको पेमेंट भी जाना है, यानी कि ये पूरा 105 के इक्विवेलेंट माना जाएगा। आइए जरा, तो अब हम इसी को लेके चलते हैं आगे, वर्किंग नोट में आइए बेटा जल्दी से। तो हमने कहा लो भाई 46,200 को पहले ना वर्किंग नोट में लेके चलो, 72,100 माइनस ये, तो वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, कमीशन ऑफ मिस्टर ई डबल एन एन, अमाउंट अवेलेबल पहले तो लिखा लो कि अमाउंट अवेलेबल बिफोर पेमेंट, इससे पहले कि किसी को पेमेंट हो, अमाउंट अवेलेबल कितनी है भाई? 72 लिखो वहां पे, 72,100 माइनस 14,700 और बेटे माइनस 11,200, आ गया कितना? इज इक्वल टू 46,200 अमाउंट अवेलेबल है। सबसे पहले तो ये बात,
सबसे पहले ये वाली बात बिल्कुल सही कमीशन आया बेटा, बस बस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा करने जरूरी है। एग्जाम में कैसे लिख के आओगे आप, सब लोग सही जानते हो, लेकिन सही करके भी आना जरूरी है। और सही में भी बहुत सही तो बहुत नंबर, बहुत बहुत ज्यादा सही तो बहुत ज्यादा नंबर, है ना। आइए जी नेक्स्ट। तो अब बेटा बात है किसकी, कमीशन की। लो बेटा जी कमीशन, हाँ जी 46,200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, 2200, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। आइए अगली बात, जो फाइनली बचा कितना है, 2,44,000। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। तो इसको हमें क्या करना है, अब वहां पर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। लो जी टू बैंक, इसको पहले तो इसको 2200 शिफ्ट कर दो वहां पे उसके खाते में। 2200 रुपये हमने वहां पे शिफ्ट कर दिए उधर मिस्टर की के खाते में। बेटे बाकी जगह ना डैश जरूर लगा दिया करो उस लाइन में, सेम लाइन में। तो उसमें क्या होता है कि मान लिया कल को कोई हमारी कॉपी में अगर गलती से कुछ लिख भी दे, गलती से भी, वैसे तो ऐसा कभी कोई होता नहीं है, पर फिर भी, तो वहां पर ना हमारी फिगर डैश लगा रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, ओवरराइटिंग पता चल जाती है। आइए जरा 30,1100 प्लस 2200 कितना हो गया, 33,300। 33,300 में से निपटाओ बेटा इसका। दस पाँच सौ, 4,800 कितना हो गया बेटा, 18,000। हाँ जी इधर कितना आया था, 44,000। लो बेटा जी अब जरा कैश बैंक को निपटाओ फटाफट से। जो हमारा जो अपना बेटा कैश बैंक है उसको भी निपटा दो फटाफट से। आओ लो जी, हाँ जी कैश बैंक बेटा, क्रिएटर्स का पेमेंट हो गया, हाँ जी। और इधर कोई रिकवरी, हाँ जो मिस्टर एम है एम के यहां से कितने पैसे आए, 15,000 रुपए आए ना, वो घर से लेके आया था, हाँ जी। इधर बाई कीज कैपिटल और बाई ई डबल एन एन कैपिटल, बेटे एक के यहाँ पे 44,000 का पेमेंट हुआ, दूसरे के यहाँ पे 18,000 का पेमेंट हुआ। आइए जी दिस अकाउंट शुड बी ऑटोमेटिकली टैली, 18,000 44,000 और प्लस 21,000 कितना हो गया बेटा, 83,000, 83,000। 14,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000, सॉरी 4,000 प्लस 15,000, ये भी 83,000। बेटा हमारा ऑटोमेटिकली टैली हो गया अकाउंट, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। आइए जरा हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगले क्वेश्चन पर एक काम करें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें, आंखों में थोड़ा दर्द सा हो रहा है। आप लोग क्या करेंगे अभी फटाफट से, तब तक ब्रेक लेकर के इससे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है हमें, अभी करना है ठीक 5 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास करते हैं।
बेटा फटाफट से क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर नाइन। आइए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग जी स्मृति, बहुत देर में आयो बेटा। आइए जी बेटे, राम इंदिरा त्रिवेणी कितने पार्टनर हैं बेटा? तीन। राम इंदिरा त्रिवेणी, अच्छा चार, उमेश भी है। कह रहे हैं क्या ये पार्टनर थे, इनका रेशियो क्या था? 3322। 3322, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी एक बार प्रेजेंस बता दे करो ऐसे ही। वेरी वेरी गुड आशीष, क्या आंसर हम आ गए। आ जाओ जरा, ही इज एंटाइटल, क्या कहते हैं? देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई साहब ये चार पार्टनर है और चारों का ये रेशो है। चलो जी ठीक है। और कहते हैं कि फर्म डिजोल्व हो गई और इंदिरा जो है ना, इंदिरा इन चारों में से एक पार्टनर है। हाँ, इंदिरा को अपॉइंट किया गया कि भैया एक काम कर, तू सारी एसेट बिकवाएगा और सबका पेमेंट तू करवाएगा, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है। और इस बात के लिए हाँ है तो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफ कर दे, नहीं नहीं दिक्कत होगी मैं खुद बोल दूंगा बेटा। थैंक यू। आ जाओ जरा, तो ही इज एंटाइटल, क्या कहा? ही इज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन अमाउंट फाइनली पेबल टू द अदर पार्टनर्स। पार्टनर्स पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक पार्टनर को पेमेंट हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा बेटे, जो भी पार्टनर्स होंगे, जिनको भी जो भी पेमेंट होगा कि भाई उसमें उसमें सब में शेयर मिलेगा। ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके। आइए जरा, और असेट जब भी की तो रिलाइज होने पे क्या आया? डेटर से ये मिला, स्टॉक से ये मिला, फर्नीचर से ये और ट्रेडमार्क से ये। अच्छा ये बेटे रियलाइज हुआ, इधर क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ फुल, बल्कि साथ में और भी ज्यादा देना पड़ा। यानी क्रेडिटर जो थे वो तो थे ही, साथ में एडिशनल पेमेंट भी करना पड़ा। एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, वो सचमुच में पे करनी पड़ी। किस बात की? हमने कोई बिल रिसीवेबल था, वो डिस्काउंट करा रखा था, कोई बिल रिसीवेबल हमने डिस्काउंट करा रखा था और उसका पेमेंट करना पड़ा। अच्छा फिर क्या कहते हैं, कितना? 7500 रुपये ये और एडिशनल लाइबिलिटी पेमेंट करनी पड़ी, यानी 46500 तो है ही, इसमें प्लस एक और 7500 रुपये भी हमने पे करने पड़े एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, आल्सो देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कहते हैं क्या, और सुनो क्या, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी थी यहां पर। आल्सो देयर वाज जॉइंट लाइफ पॉलिसी 90000 रुपये के लिए, और ये सरेंडर कर ली गई, ये सरेंडर हो गई। ठीक है, मैं कितने में बेटा, सरेंडर करने पे कितने मिले? 9000 रुपये। हाँ जी बेटा बिल्कुल। अच्छा अब आते हैं इधर, बिल्कुल सही कहा बेटा कावेरी, वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, यहां पे देखो जरा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है, 90000 रुपये की पॉलिसी है, लेकिन सरेंडर करनी पड़ी क्योंकि अब फर्म खत्म हो रही है, तो जॉइंट ही नहीं रहा है ना, पार्टनर्स ही नहीं रहे, तो वो पॉलिसी बेटा ब्रेक हो जाती है। अब ऐसे केस में क्या होगा, वो सरेंडर हो गई 9000 रुपये में। बेटा ध्यान रहे, बैलेंस शीट में कोई भी जेएलपी या जेएलपी रिजर्व ये खुले हुए नहीं है बैलेंस शीट में, यानी बेटे वहां पे एक्सपेंस मेथड चल रहा होगा, और हमें आज तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, एक्सपेंस मेथड असेट्स मेथड होने का फर्क तब पड़ता था जेएलपी के केस में, जब बिजनेस गोइंग कंसर्न होता, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में हमें देखना पड़ता, सरेंडर वैल्यू का एडजस्टमेंट करना पड़ता, लेकिन यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे तो जी पैसे जो आए वो ले लो, बस 9000 रुपये 9000 रुपये ले लेंगे। कहते हैं एक्सपेंसेस रिलेशन के जो है वो कितने के हैं, रिलेशन के एक्सपेंसेस 1500 के। और सबसे बड़ी कमाल की बात, कह रहे हैं क्या, इंसॉल्वेंट हो गया कौन, त्रिवेणी, त्रिवेणी का विकेट गिर गया। चलो जी, लेकिन जाते जाते वो 11100 रुपये दे गया। लो जी 11100 रुपये वहां पे से मिल गए। अब आपसे कह रहा है भाई साहब, गार्डनर वर्सेस मर्रे का ध्यान में रखते हुए, क्या कहा मैंने, क्वेश्चन ने क्या कहा, गार्डनर वर्सेस मर्रे का ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंट्स बनाने हैं फर्म को क्लोज करने के। बेटा यहाँ पे हमें करना क्या है? सर हमें वही करना है जो शुरू से करते हैं। मैंने कहा आओ फटाफट से बताओ, मैं ये कह सकता हूं ये है हमारा स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर वन, ये है हमारा स्टेप नंबर वन. बेटे स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू आई जी. स्टेप नंबर थ्री क्या है हमारा, जो हमारे हमने यहां पर इधर रियलाइज किया और पे किया, ये है हमारा स्टेप नंबर थ्री. स्टेप नंबर थ्री में हमारा ये पार्टनर लोन भी आएगा जिसको हम पे करेंगे. बेटा ध्यान रहे, सॉल्यूशन में मैंने इसको दे रखा है आपको, यहाँ पर सॉल्यूशन जो दे रखा है उसमें ये रिलेशन में ले जाके पे कर रखा होगा या पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर रखा होगा. कुछ नहीं, हम सीधा लेके जाएंगे कहाँ पर पेमेंट करने के लिए, कहाँ पर, कैश एंड बैंक में. वो पुरानी प्रैक्टिस हुआ करती थी, जब इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस चेंज कर देता है तो हमें उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमें भी अपने आप को की प्रैक्टिस चेंज करनी होती है, कन्वेंशंस जिसको कहते हैं. ठीक है, आइए जरा बात करते हैं नेक्स्ट. तो ये था जी हमारा टोटल, तो शुरू करो फटाफट से. आंसर नंबर नाइन, बेटे बहुत तेजी से क्वेश्चन करना है. आंसर नंबर नाइन, इन द बुक्स ऑफ फर्म इधर बनेगा जी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, आओ बच्चों आओ, जल्दी से बनाओ. हाँ जी, और क्या है अपना कैश बैंक अकाउंट. बढ़िया मौसम हो रहा है क्रिकेट खेलने का, नहीं फुटबॉल खेलने का. ये कोरोना ना होता तो तुम्हारा संडे को मैच रखवाता सर से बात करके. जाने तो जरा कोरोना को, फिर मजे किया करेंगे, मजे कर करके पढ़ेंगे. आओ जी, एक तो है हमारा क्या, इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रियलाइजेशन अकाउंट. देखे जी कौन सा बच्चा सबसे तेजी से इसको लिखता है. पहले पार्टिकुलर्स अकाउंट, बेटे प्रेजेंटेशन वाइज करना. अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट, कैश एंड बैंक अकाउंट. ऐसा क्यों लग रहा है बच्चे सो गए. हाँ सर, लंच पे उस पे ब्रेकफास्ट पे गए थे सर, वो चार पराठे ज्यादा खा लिए तो अभी हम सो ही रहे हैं सर. बेटे बताना जरा, जाग रहे हो कि सो रहे हो, जल्दी से बताओ. एक बार सेस पे लिख के बताएंगे सारे बच्चे. कावेरी सो गई, शुभम सो गया, दीक्षा सो गई, आशीष सो गया, जितेंद्र सो गया, और कौन, स्मृति भी सो गई, वाह वाह, श्रेया भी सो गई, वाह वाह, दिव्या भी, दिव्या भी, ओहो, और कौन, सारे बच्चे, अभिषेक भी, वाह वाह, आयुष भी, ओहो, सारे बच्चे सो गए, और कौन 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 कौन, पार्थ भी सो चुका है, शुभम तो आज उठाई नहीं भाई, शुभम है नहीं, पार्थ तो आज उठाई नहीं है, आदर्श तो आज उठाई नहीं है, वाह वाह, अभिषेक भी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. प्रिंस ही तो एक बार आंख खुली थी प्रिंस और उसकी मुस्कान की, नहीं सर जागे हैं, अच्छा सर है, हो चलो ठीक है. वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर, वेरी गुड. चलिए जी आओ बेटा जी, अब हम बात करते हैं इधर किसकी, हम बात करते हैं बेटा जी इधर किसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की. जाग रहे हैं, मैं जाग रहे हैं, वेरी गुड सर. ऑफलाइन कब होंगे, वाह 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 वाह. मैं भी, मेरे पास भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है. कल तो आई थी सिसोदिया जी की वीडियो कि भाई 14 फरवरी से हम लोग खोल रहे हैं. अब डे भी उन्होंने ऐसा खतरनाक चूज किया, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे खोले ना खोले, क्योंकि उस दिन तो वैसे ही वो बंद करने पे लगे रहते हैं. तो भाई गलती से मुझे लग रहा है डेट उन्होंने ऐसी बता दी कि उस दिन से खुलेंगे नहीं, देख लेना, शर्त लगा रहा हूं.
चलो आओ भाई, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चलिए ठीक है। आओ जी, पार्टनर कौन कौन से हैं? मिस्टर राम, इंदिरा, त्रिवेणी को अलग कलर से लिखें, तुम मत लिखना वरना एग्जामिनर हमारा कलर अलग कर देगा। तुम मत लिखना बेटे, आ जाओ जरा। त्रिवेणी, और फिर इंदिरा के बाद में, और त्रिवेणी के बाद में उमेश। चलो ये भी तो ढंग का नाम लगा। लो जी राम, हाँ सारे नाम ढंग के हैं भाई, वाह 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 वाह। आ जाओ जरा, राम, इंदिरा, त्रिवेणी, उमेश। आ जाओ जी, हाँ तभी तो कह रहा हूं मैं। लो जी, 22 बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना? 60,000। इधर कितना है बेटा? 45,000। लिख दूँ साथ साथ? उससे क्या होगा, थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा। मैंने अभी कोई स्टेप शुरू नहीं किया, ये तो बस ऐसे ही बस यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैंने कहा लो भाई लिख देते हैं जिसका बैलेंस है ही। इधर कितना है? 48,000। इसका तो उसी कलर से लिखेंगे, 48,000। और इधर 18,000, 18,000। चलिए चलो शुरू करते हैं। आइए जी, पर एक खतरा रहेगा, फेस टू फेस में जो बच्चा नहाए के नहीं आएगा उसका अलग से पता चल जाएगा। अब चाहे वो नहाया नहीं नहाया, वो बेड पे आराम से बैठ के क्लास देख रहा है, मम्मी हाँ ये तो बोलता रहेगा जल्दी लाओ चाय पराठे। हाँ अभी तो ये काम चल रहा है सबका, उस टाइम पे कुछ नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे तो बच्चे नहा वहा के एकदम कंगा वंगा करके जैसे कि मॉडलिंग में जा रहे हो ऐसे आओगे तुम लोग फिर उस टाइम पे क्लास में। अभी तो आराम से बैठ जाते हो, मम्मी क्लास शुरू हो गई क्या? अरे ये तो आ गया, हाँ मम्मी जल्दी लाओ चाय। हाँ चलो आओ जी शुरू हो जाओ। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन बेटे, जो भी बुक वैल्यूज हैं ट्रांसफर कीजिए असेट्स और लाइबिलिटीज की। सर आप ना हमें जानबूझ के बातों में लगाते हो ताकि हम आपसे आगे ना निकल जाएं। वही तो, देखे तुम पहले करोगे कि मैं पहले? स्टेप नंबर वन, टू सन्ड्री डेटर्स 48,000। कितना बेटा? 48,000। वाह 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 वाह। और इसकी पूछ, बाई रिजर्व फॉर बैड डेट्स। वाह 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 वाह, 1,500 रुपये। नेक्स्ट बेटे, कैश को उतार दो उधर कैश बैंक अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी। वाह 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 वाह, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना? 6,000 रुपये। वाह 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 वाह, मजे ले रहे हो तुम लोग? नहीं सर सुबह उठ के पहले। वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात, ये है मस्त मेरे टाइप का लड़का आशीष, वेरी गुड सर। आगे तो निकल गए, अब आपकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा दीक्षा, ओके बेटा वेरी गुड। आइए जरा तो आगे बढ़ते हैं। और क्या है जी हमारा? स्टोक फर्नीचर, लो जी फटाफट निपटाओ जी। स्टोक, टू स्टोक, शुरू हो जाओ। टू स्टोक कितने का? 30,000 का। टू फर्नीचर कितने का? 12,000 का। लो जी फर्नीचर, जो जो बुक्स में खुला हुआ है वो बंद कर दो। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पूरा नाम लिखो।
अच्छा टू ट्रेडमार्क, टू ट्रेडमार्क 21,000 रुपये। वाह 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 वाह, आइए जी। हाँ जी, सन्ड्री क्रिएटर्स खत्म करो जी, खत्म करो, जो जो बुक्स में बैलेंस है खत्म करो। वाह 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 वाह, स्टेप नंबर वन ट्रांसफर बुक वैल्यू, स्टेप नंबर टू ओनर्स रिलेटेड अकाउंट को ट्रांसफर कीजिए, ओनर के अकाउंट में कैपिटल भेज दीजिए। हमने पहले रिजर्व रिजर्व है, हाँ 10,000 है, बांट दो। क्या रेशियो है इनका सर? इसका ना 3322। ओ 3 3 2 2, तीनों और तीन छः और दो और दो चार, हो गया 10 बेटे। बस तो इन्होंने बांट के दे रखा है, यानी कि 3,000। कहाँ है भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ये रहा जी, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा। बाई जनरल रिजर्व 3,000, 3,000, 2,000, 2,000। वाह 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 वाह, आइए जरा। अब बात है अगली, करो बेटे। स्टेप नंबर टू हो गया, अब स्टेप नंबर थ्री, रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज। अब बेटे जो भी रिलेशन कर रखा है वो रियलाइज कर लो। डेटर से 33, स्टॉक से 24, फर्नीचर से 3, ट्रेडमार्क से 12। आओ जरा निपटाओ बेटा। बाई कैश एंड बैंक, तो मैं ना इसका टोटल सीधा वहां पे इकट्ठा लिख दूंगा कैश बैंक में, ठीक है बेटा? वेरी गुड, ये हुई ना बात, शाबाश। आइए जी, तो जी कैश और बैंक किस किस का बेटा यहां पे रिलेशन? सन्ड्री डेटर्स, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। फिर है स्टॉक, फिर है फर्नीचर, और बेटा जी फिर क्या है जी, फिर क्या है, फिर क्या है जी, फिर क्या है? ट्रेडमार्क्स, जेएलपी है क्या बुक्स में? हाँ बुक्स में तो नहीं है, लेकिन ना रियलाइज जरूर ही। लो बेटा जी अमाउंट लिखो फटाफट। डेटर से मिले 33,000, स्टॉक से मिले 24,000, वाह 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 वाह, फर्नीचर से मिले 3,000, ट्रेडमार्क से कितने 12,000, फिर जेएलपी से कितने 9,000। करना जरा टोटल, बोलो ना बोलो ना, टोटल बोलो ना। तो जी 33 बेटे कैश बैंक में सीधा टोटल को भेज देते हैं। 33 प्लस 24 प्लस 12 3 15,000 प्लस 9,000, तो जी 81,000। वाह 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 वाह, 81,000 टोटल है। मैं कैश बैंक में भी इसको भेज देता हूँ। हाँ बेटा, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट इकट्ठा कर रहा होता है यहां पर, ठीक है? टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी असेट्स हमारी यहां पे रियलाइज हुई 81,000। आइए जी अब बात करते हैं बेटे लायबिलिटीज के पेमेंट की। एक तो जो क्रिएटर्स है, टू कैश एंड बैंक, एक तो जो बेटे बुक्स में थे, जो क्रिएटर्स थे बुक्स में, एक तो जी उनका, और एक बेटे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज है जो अभी मैच्योर हुई है बीआर डिस्काउंट की। 46,500 के तो ये हैं जी। अच्छा, और एक 7,500 की लायबिलिटी और आ गई जी। नौ हजार है बेटा, 90,000 की पॉलिसी भले ही हो बाबू, वो सरेंडर हुई है बेटा, ठीक है बेटा? प्रिंसी सरेंडर होने पे सिर्फ 9,000, बंदा गया तो 90,000 मिलेंगे, बंदा नहीं गया, पॉलिसी बीच में ब्रेक हुई तो सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू मिलती है बेटे। जानने के लिए देखिएगा यूट्यूब वाली फिल्म जेएलपी वाई सीए जराठी। अच्छा
स्मृति रिलेशन, ठीक है डन ओके आइए जरा नेक्स्ट। तो ये 54,000 का पेमेंट बेटे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ जी क्या क्रेडिटर्स मतलब और जितनी भी लेबटीज हैं, हाँ जी कितने का, ये 54,000 का था ना, ठीक है। प्रिंस जी मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई, जब सरेंडर होते हैं तो सरेंडर वैल्यू मिलती है। अच्छा किसी पार्टनर ने असेट लायबिलिटी नहीं ली तो बेटे पार्टनर्स के अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आया इसका। नेक्स्ट, अब इसके बाद में आगे बढ़े, स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 3 हो गई। हाँ बेटे स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अच्छा अब हम करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है जी, स्टेप नंबर 4 ये कहता है जी कि हमें प्रॉफिट और लॉस जो भी है कहाँ पर, रियलाइजेशन पे, हाँ जी उसको निपटा दो। लो बेटा जी करो फिर फटाफट से रिलेशन अकाउंट, इसका टोटल कर लो और बैलेंस कर लो। हमने कर लिया जी इसका टोटल, इसका हमने कर लिया बेटा टोटल, टोटल टोटल करो जी, टोटल करो जी। लेफ्ट साइड का राइट साइड का देखना इसमें क्या आ रहा है लेफ्ट का करो पहले टोटल, 48,000 प्लस 30,000 प्लस, बेटे मुझे बताना लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, किसी बच्चे ने निकालो 48 और 30 प्लस 12,000 प्लस 21,000 प्लस 54,000, लेफ्ट का है 1,65 और राइट का कितना है जी 1,500 प्लस 46,500 प्लस 81,000, राइट का रहा है 1,29,000। अच्छा तो 1,65,000 ज़्यादा है, हो हो वाह वाह वाह, हो हो वाह वाह वाह, हो हो वाह 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 वाह, लॉस आ रहा है जी 1,65,000 रुपये यहाँ पर टोटल आ रहा है लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का 1,29,000 आ रहा है। तो मतलब बेटे यहाँ पे लॉस आएगा, तो यहाँ पे लॉस कितने का आएगा, घटाओ जरा माइनस 1,65,000 में से घटा दो, कितना 36,000 बेटा, 36,000 का लॉस आया बाबू, और ये सब पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। बाई ए बी सी डी है कौन है बाई राम, बाई इंदिरा, बाई त्रिवेणी और बाई उमेश, बेटे इनका रेशो क्या है 3:3:2:2, 3 और 3 6 और 4 10, 3600 दुनी 7200, यहाँ पे कितना आ गया 7200, 7200 इसका भी 7200 होगा, और 7200 का और यहाँ पे 3 है 36 दिया, 3 दिया 9 और 1 10, ठीक है 10,800 और बेटा 10,800 और ये लॉस बढ़ जाएगा जी, रिलेशन एक्सपेंस रह गए, देखो जरा बेटे वहां पे कमीशन था ना, तो बियर तो वही कर रहा था ना बाबू, इसमें जो मुझे याद आ रहा है कहा है रिलेशन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस जो है 1,500 के हैं, और यहां पर कुछ बात थी ना, एक रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में और भी कुछ दे रखा था क्या, वो इंदिरा पे करेगी ना, हाँ वही तो मैंने कहीं पढ़ा था यहाँ पे ये रहा बेटा अच्छा नहीं इनका पॉइंट भी सही है कि सर ये बताओ यहाँ पे लिख, हाँ इसने बच्चे ने भले ही बोला ना हो लेकिन बिल्कुल सही पॉइंट है इसका भी कि सर ये बताओ रिलेशन के एक्सपेंस लिखा है ना, बिल्कुल सही बात है, इसने ऐसे पूछा नहीं है जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, लेकिन इसने सही पॉइंट उठाया है कि सर ये बताओ उसको कमीशन मिल रहा है, हाँ फाइनल पेबल टू अदर्स का, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, उसको अपॉइंट किया गया असेट्स लायबिलिटीज के लिए रिलेशन के पेमेंट के लिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बस ये लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस हैं रिलेशन के कितने 1,500, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि वो बियर करेगा, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे, पे तो उसने किया
यहाँ पे बेटे वो बियर करेगा, ये बात क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रखी है, यहाँ पे बस इतना लिख रखा है एक्सपेंसिव रिलेशन के इतने है। तो कायदा तो ये कहता है कि यहाँ पर जो है ना पेमेंट कायदा तो ये है रिलेशन अकाउंट में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर ये मान करके सोल्यूशन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि ये बियर कौन कर रहा है, पे भी वही कर रहा है और बियर भी वही कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज आप एक बार इसके ऊपर हेडिंग डाल लेना, एक नोट डाल लेना यहाँ पे क्वेश्चन में यहीं पे, एज्यूमिंग, एज्यूमिंग मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से आएगा तो मैं रिलेशन में डालूंगा, पक्का डालूंगा। यहां पे लिख लीजिएगा एक नोट इस क्वेश्चन के साथ में, एज्यूमिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब बच्चा ये ना कहे कि सर हम एग्जाम में ऐसे एजम्पशन डाल के कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बेटे, एक्चुअली क्वेश्चन में एक लाइन छुटी हुई है यहां पे, एज्यूमिंग रिलेशन एक्सपेंसेस वर पेड एंड बोर्न, पेड एंड बियर बाई कौन है वो पार्टनर जिसकी बात हो रही है, जो कर रहा है रिलेशन, इंदिरा, इंदिरा, ठीक है बेटा खुशी, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे इसको नोट कर लो, ठीक है। आइए जरा, तो क्या मैं शुरू करूं, तो क्या मैं शुरू करूं, जल्दी से बताओ जी, चले आगे, आइए जरा। तो आइए बेटा, ये लोस फटाफट से बांटो, कहां पर, पार्टनर्स में, लो जी, टू रियलाइजेशन लोस, टू रियलाइजेशन लोस, टू रियलाइजेशन अकाउंट लोस वाली बात के लिए, लोस वाली बात के लिए कितने कितने का लोस आया जी यहां पर, 10,800, 10,800, 7,200 और 7,200। हमने लोस बांट दिया, अच्छा एंड में दे रखा है मैंने, ओके चलिए, मैंने कहा कभी हो सकता है मिस हो गया हो, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर मैंने एंड में सॉल्यूशन के दे रखा है। आइए जरा मैं आगे बढ़ता हूँ बेटे, ये रिलेशन का लॉस बांट दिया, हाँ जी, स्टेप नंबर वन सारी बुक वैल्यू ट्रांसफर करना असेस लायबिलिटी की, स्टेप नंबर टू सारे ओनर्स रिलेटेड अकाउंट ट्रांसफर करना, स्टेप नंबर थ्री रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज, हमने रियलाइज कर लिया, पेमेंट कर दिया। अब स्टेप नंबर फोर, जो भी, क्या कहा मैंने, जो भी प्रॉफिट या लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस रिलेशन पे वो बांट दो। आइए अब शुरू करते हैं जी इससे आगे की कहानी। सबसे पहले डिटरमाइन करना, क्या डिटरमाइन करना, कि लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी है कितना, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी है कितना। तो जी हमारा जो ये त्रिवेणी जिसका विकेट गिर गया है, आइए जरा इसका लॉस निकाले, पहले त्रिवेणी जी का टोटल लॉस, त्रिवेणी जी का टोटल लॉस निकालो बेटे, कितने का है बताओ, 48 और 7 कितना हो गया, 55,200 इधर का टोटल है, हाँ जी बेटे 55,200 में से हम घटाएंगे तो जो बैलेंस आएगा, इसमें ध्यान रहे ये कुछ पेमेंट लेके आ रहा है, आपको शायद पता होगा कि क्वेश्चन में ये बात दे रखी है, क्या कि ये कुछ कैश बैंक लेके आएगा, कुछ पार्ट ऑफ कैश बैंक लेके आएगा, बाई कैश एंड बैंक त्रिवेणी लेके आ रहा है कितना, 11,100 रुपए, 11,100 रुपए ये लेकर के आ रहा है। अगर ये 11,100 रुपए लेकर के आ रहा है, आइए जरा, तो इसका मतलब क्या है बेटा, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी कितना है, अभी बात कर रहा हूं बेटा, तो इसका मतलब बेटे वो लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी है कितना, भाई घटा दो भाई, 55,200 में से घटा दो 11,100 माइनस 2,000, 42,100, 42,100 जो है वो लॉस है इंसॉल्वेंसी का, मुझे भेजना बेटे व्हाट्सएप पे, है ना, जो तुम कह रहे हो ना कावेरी, मुझे भेजना बेटे व्हाट्सएप पे, देखता हूं मैं, है ना,
आइए जरा, तो मैं बात कर रहा हूं बेटे यहां पे, आइए जरा, ये लॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी डिटरमाइन हो गया। अब ये बटेंगे किसमें बटेंगे बताओ सर, बाकी पार्टनर्स में, कौन से पार्टनर जो सॉल्वेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले क्या कहा था गार्डनर वर्सी बनने में, भाई साहब जो भी सॉल्वेंट है, अब बताओ जो भी मतलब जो बाकी के सॉल्वेंट है, हाँ इनसे ना कैश मंगवाओ पहले। सबसे बोलो जो रिलेशन का लॉस है वो कैश लेके आओ, बाई कैश और बैंक। जो लॉस है रिलेशन वाला उसका कैश मंगवाया गया, उसका बेटे कैश मंगवाया गया। आइए बेटा जी, कितना, 10,800, 10,800, 10,800। नेक्स्ट, 10,800 इनका भी हुआ जी। लो बेटा जी, ये तो लेके नहीं आएगा। अच्छा, जो सोल्वेंट पार्टनर है वो कैश लेके आएंगे, इक्वलेंट टू रिलेशन लॉस, इक्वलेंट टू रिलेशन लॉस। बेटा कंसंट्रेशन डाइवर्ट बिल्कुल मत करना अगले 10-15 मिनट। चलो सर आप बताओगे, तो यहां तक बात हो गई। हाँ जी, अब करो जी, अब ये लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी बाकी के सोल्वेंट पार्टनर में बटना है। सर त्रिवेणी का पर्सन लॉस क्यों निकालेंगे, क्योंकि बेटा स्मृति वो इंसॉल्वेंट है। बेटा जरा देखो ना, इंसॉल्वेंट कौन हुआ बेटा, यही तो है जिसकी वजह से सारा रायता फैला। तो पहले देखे तो सही, रायता है कितना जो समेटना है, मतलब लॉस कितना है। ओके स्मृति, पॉइंट क्लियर है? जल्दी बोलो, क्योंकि फिर मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब ये पॉइंट आपके यहां तक के पैक होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, त्रिवेणी का सबसे पहले हम लॉस निकालेंगे क्योंकि त्रिवेणी इंसॉल्वेंट है। तो जो लॉस आया रिकवरी करने के बाद आया 11,100, क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई साहब उसके जो पेमेंट निकल रहे हैं उसमें से 11,100 तो उसने रिकवर हो गए उसकी संपत्ति से, बाकी का लॉस है यानी कि बाकी का रिकवर नहीं हुआ। तो ये लॉस पहले तो हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, किसमें करेंगे, अभी आप बात करते हैं। स्मृति मुझे जल्दी से लिख के बताओ, पॉइंट ओके है, त्रिवेणी का पर्सनल लॉस क्यों निकालेंगे, ये बात तुमने पूछी बेटा, ये डाउट ओके है। चलिए मैं आगे जब चलता हूं तब तक स्मृति का जवाब आता है। अब धीरे धीरे चलना है यहां पे कि ये लॉस बटेगा राम इंदिरा और उमेश में, क्योंकि वो सॉल्वेंट है, क्योंकि वो सॉल्वेंट है। लेकिन देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा है जो डेबिट बैलेंस रखता है और कौन ऐसा है जो क्रेडिट बैलेंस रखता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा बेटे इस क्वेश्चन में। ऐसा ना हो कि पता चला किसी का डेबिट बैलेंस है और भाई उसमें उसमें भी लॉस बट गया। तो ऐसे केस में हमें पहले देखना पड़ेगा किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है सॉल्वेंट में से। तो पहले तो एक बात दिमाग में, क्या सॉल्वेंट कौन है, राम है, त्रिवेणी है, सॉरी इंदिरा है, राम है, इंदिरा है और उमेश है, तीनों है। बेटा मुझे स्मृति तुम्हारा जवाब नहीं आया, तुमने डाउट पूछा मैंने आंसर दिया, डाउट ओके है कि नहीं ये तो बताओ, या तो हाँ या ना। प्लीज मुझे बताओ, बताया करो हमेशा साथ में जब भी कोई डाउट का सोल्यूशन हो जाए कि हाँ सर हो गया। स्मृति मुझे बताओ ये बात ओके है बेटा। चलिए मे बी कि शायद वो मैसेज ना कर पा रही हूँ बच्ची, एप्लीकेशन पे हो सकता है कि कोई दिक्कत हो गई उसको। आइए मैं ये मान के आगे बढ़ रहा हूँ। लो बेटा जी, तो सबसे पहला काम बेटे मिस्टर राम का देखेंगे हम यहां पर। अब और ये जो काम है ये हम मन मन में कर रहे हैं एक तरह से। सर ये काम हम वर्किंग नोट बना के कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। अच्छा सर मतलब वो लॉस बाकी बॉन्ड करेंगे, यस बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो स्मृति, तभी तो हम यहाँ पर बाकी का बैलेंस निकालेंगे। बिल्कुल सही समझे, सही पकड़े हो स्मृति। आइए जरा अब मेरी बात सुनो बेटा, जो जो सॉल्वेंट है उनके बैलेंस चेक करेंगे, ये काम आप यहां पर, जरूरी नहीं कि आप इसका वर्किंग नोट बनाए, लेकिन वर्किंग नोट में नोट जरूर डाल देना इस बात के लिए कि भाई ये पार्टनर है सॉल्वेंट और इनका क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है वगैरह वगैरह, जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आए। तो मतलब मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा पहले यहां पर, क्या वर्किंग नोट नंबर वन, और यहां पर मैं हेडिंग डालूंगा वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी। मैंने पिछली बार इस वर्किंग नोट को एक नोट की फॉर्म में लिख के बताया था। अभी देखते हैं शुभम, देखते हैं, ठीक है गलत नहीं है वो, टेंशन मत लो, देखते हैं शुभम। आ रहा हूँ शुभम, ठीक है शुभम आगे पहुंच चुका है,
वो फंस चुका है आगे जा करके, उसकी गाड़ी आगे जाके फंस गई, सर कमीशन गलत कर रखा है आपने सोल्यूशन में, बता दूंगा इसी बात के तो पैसे हैं शुभम, आओ जरा अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब मजे बहुत हो गए तुम्हारे से, अब मैं जरा तुम्हें बताता हूँ। सुनो बेटे, हमें वर्किंग नोट बनाना है, तो हमें यहाँ पर पिछली बार मैंने एक नोट के जरिए ये बात लिखाई थी, अब की बार हम दूसरा भी तरीका हो सकता है प्रेजेंटेशन का क्या, सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन कौन है, एक तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मतलब जरूरी नहीं कि वैसे ही लंबा चौड़ा भाषण लिखे जैसे मैंने पिछले उस क्वेश्चन में करवाया था। बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, बेटा मैं क्लास में हूं, मैं अभी बात करता हूं आपसे क्लास के बाद में, ओके। हाँ तो मैं ये कह रहा था बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सॉल्वेंट पार्टनर पहले नाम लिख लो, सॉल्वेंट पार्टनर में पहले नाम लिख लो, मिस्टर राम, मिस्टर इंदिरा, और तीसरा कौन है बेटा, मिस्टर उमेश। और यहां पर बैलेंस निकाल के यहां पे लिख लो, जैसे मैं अगर यहां तक का मन मन में बैलेंस निकालू राम का, तो मैं देखूंगा बेटा देखो ध्यान से, मिस्टर राम के अकाउंट में देखो बैलेंस 63,000 आएगा, और वो भी क्रेडिट में आएगा, चाहे निकाल के देख लो। अब मैं लिखूंगा नहीं, इसको अगर बनाना है तो आप वहां पे भी ऐसे कर सकते हो क्या, 63, क्या क्या था वहां पे, ऐसे भी लिख सकते हो, 60,000 प्लस 3,000, क्योंकि ये जो बैलेंस निकाल रहे हैं हम फाइनल मूवमेंट पे निकाल रहे हैं, तो यहां पर आप ऐसा नहीं किया कि थिंग्स कमिंग फ्रॉम रिलेशन को आप इग्नोर करके चलो, ये सारी चीज काउंट करने के बाद देखा जा रहा है बैलेंस, तो यहां पर हम रेशो नहीं चेक कर रहे, तो यानी कि 60,000 प्लस 3,000 प्लस 10,800 माइनस 10,800 इज इक्वल टू 63,000, और यहां पर बराबर में लिखो क्रेडिट, ये भाई क्रेडिट बैलेंस है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, जरूरी नहीं कि वैसे करें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। सर ये कैसे कैसे किया, मैंने कहा आप देखो राइट साइड वाले जितने भी मुझे टोटल करने थे, जितने भी मुझे यहाँ पर ये टोटल करने थे मैंने इनको लिख दिया यहाँ पे, और जो मुझे घटाना था फिर मुझे का देखा भाई कितने रुपए का बैलेंस सीडी और बीडी होगा, वो मैंने यहाँ पे काम कर दिया, वो मैंने यहाँ पर बेटे काम कर दिया। नेक्स्ट अब इंदिरा वाली बात करते हैं बेटे, इंदिरा का देखो, इंदिरा का कितना करोगे, 45 प्लस 3 45,000 प्लस 3,000 प्लस 10,800 और माइनस 10,800 इज इक्वल टू 48,000, और पता है बेटा ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, 10,800 एक बार जोड़ रहे हो फिर घटा रहे हो, सीधा क्यों नहीं लिख देते हो आप 63,000, सीधा क्यों नहीं लिख देते हो 48,000। मैंने कहा बेटा, दीक्षा तुम्हारी बात का जवाब भी, मैंने कहा बेटा हम ये कब निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फाइनल मूवमेंट जब लेने और देने की बात है पैसे की, बैलेंसेस की, तो हम उस मूवमेंट पे देखते हैं बैलेंस कितने हैं, हम रेशो नहीं निकाल रहे अभी यहाँ पे जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन वाला रेशो नहीं निकाल रहे कि हम थिंग्स कमिंग फ्रॉम रिलेशन को इग्नोर कर दें, हम रेशो नहीं निकाल रहे यहाँ पर अभी, अभी हम देख रहे हैं कि जिस टाइम पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम बुला रहे हैं, हाँ भाई तुम्हारा क्या हिसाब निकल रहा है, हाँ तुम्हारा डेबिट निकल रहा है कि क्रेडिट निकल रहा है, तुम्हारा डेबिट निकल रहा है क्रेडिट निकल रहा है, हर किसी से पूछा जा रहा है सारा कुछ करने के बाद। क्योंकि अब आप कहोगे सर 10,800 10,800 क्यों कर रहे हो, जैसे बच्ची ने पूछा मैंने कहा बेटे अगर मान लिया पार्टनर कोई असेट्स लेके गया होता तो उसका उतना पेमेंट तो हो चुका था ना, है ना, अगर मान लिया कोई पार्टनर असेस लेके गया होता तो उसका तो पेमेंट हो चुका था ना एक तरह से देखा जाए, तो फिर वो दोबारा से अगर हम उसको यहाँ पे काउंट नहीं करें तो एक तरह से देखा जाए तो उसका पेमेंट बन जाएगा और ज्यादा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमें देखना है फाइनल मूवमेंट जब हो रहा है, जब सब कुछ खत्म हो रहा है, तब किस किस का कितना कितना हिसाब निकल रहा है, और हिसाब डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है इंस्टॉलमेंट को छोड़ के, तो मतलब फाइनल मूवमेंट पे सारा काम निपटाने के बाद में कौन कौन ऐसा है जो क्रेडिट बैलेंस रखता है और डेबिट बैलेंस, वो हम डिसाइड करते हैं उसमें सारी चीजें कंसिडर करते हुए।
ध्यान रहे रेशियो बिफोर डिसोल्यूशन अलग है और ये फाइनल मूवमेंट जब हम देख रहे हैं बैलेंस किसका कितना कितना आ रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं यहां पर जो है ना धीरे धीरे लेके चलता हूं। तो तीन चीजें कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आनी चाहिए। जब कैश लाएगा कौन लाएगा, सारे के सारे सॉल्वेंट पार्टनर, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो। जब लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे दो चीजें होंगी, एक तो रेशियो चेक किया जाएगा, एक बैलेंस चेक किया जाएगा। रेशियो में तो रियलाइजेशन वाली चीजें काउंट नहीं होगी, लेकिन जो बैलेंस चेक करना होगा उसमें यह देखना होगा रियलाइजेशन होने के बाद किसका डेबिट आ रहा है किसका क्रेडिट आ रहा है। हाँ किया है बेटा, वहां पे हमने उसको काउंट नहीं किया है ना। आइए जरा मैं इस क्वेश्चन में भी करूंगा, अभी करूंगा, डोंट वरी अभी करूंगा। देखो दीक्षा आइए जरा, मुझे पता है कि ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैं वहां पे नोट लिखा के चलता हूं। अब आइए जरा बताओ जरा, ये जो मिस्टर उमेश है, हाँ ये जो मिस्टर उमेश है इनका बैलेंस क्या है, चेक करो कि जी 20, ये है 2000 प्लस 7200 तो क्रेडिट के हैं। अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि 2000 प्लस 7200 तो क्रेडिट के हैं, हाँ जी, और जो माइनस के हैं वो क्या है कि जी माइनस का देख लो, माइनस का 7200 तो है ही, 18000 भी है, माइनस का 7200 तो है ही, माइनस का 18000 भी है, तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो इसका बैलेंस कितना आ रहा है, इसका तो जी ऑलरेडी 20000 रुपए माइनस में है, डेबिट बैलेंस है। तो हमने ये चेक कर लिया कि ये जो बैलेंस है ये आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है कौन बियर करेगा कौन नहीं करेगा, ये बियर करेगा, ये बियर करेगा, ये बियर नहीं करेगा, नंबर एक बात। आइए अब यहां पे एक नोट लिख ही लीजिए जो पिछले क्वेश्चन मैंने लिखाया था, तभी बात थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी में आएगी। नोट इसी में लिखो एक नोट, सिंस राम एंड इंदिरा आर क्रेडिट बैलेंस, बस लैंग्वेज मैंने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा अलग लिखाई थी क्योंकि लैंग्वेज हैंड टू हैंड बनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि वो रट्टाफिकेशन कुछ होता है बेटा, कंप्यूटर तो है नहीं हम लोग। सिंस राम एंड इंदिरा आर क्रेडिट बैलेंस सॉल्वेंट पार्टनर्स, बोथ विल बियर लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, दोनों के दोनों लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी को बियर करेंगे, बट उमेश इज ऑल्दो सॉल्वेंट पार्टनर but having debit balance, so he will not bear loss of insolvency, इसलिए भाई वो लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी बियर नहीं करेगा। बेटे पिछले क्वेश्चन में दीक्षा तुम्हारा डाउट था, अच्छा 16000 आएगा इसका डेबिट, अच्छा 16000 आएगा, हाँ सही कह रहे हो बेटा, वो मैंने 2000 जोड़ दिए घटाने के बजाय, 16000 आएगा। हाँ जी, तो पिछले क्वेश्चन में जो तुम कह रहे थे ना, पिछले क्वेश्चन में यही काम हमने क्या किया था, अकाउंट बना के किया था। ठीक है आइए, लेकिन आपको याद होगा कि वो रेशो के लिए भी और उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग किया था। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एग्जाम में बेटे इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार अकाउंट बना के करो, तो टाइम बचाने के लिए कुछ तो चेंज करना है ना आपकी प्रैक्टिस में, मैं वो चेंज करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। आप यही काम अकाउंट बना के करोगे बेटा सेम आएगा। ठीक है दीक्षा आइए जरा,
तो ये तो बात हो गई कि हमने बैलेंस चेक कर लिया, तो यानी कि देखा जाए, नाउ क्वेश्चन इज, नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। ये किसकी देखी जाएगी, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन फॉर या ऑफ मिस्टर राम एंड इंदिरा, इन दोनों की कैपिटल हमें चेक करनी है। क्योंकि पहले तो हम ये देखेंगे किन किन पार्टनर की कैपिटल का रेशो देखा जाएगा, तो उसके लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी है। शुभम वेरी गुड, दिल जीत लिया तुमने भी, वेरी गुड। कुछ नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं जीता, अभी नहीं जीता, मेरा वापस करो मेरा दिल, अभी नहीं जीता शुभम, बात पूरी सही नहीं है, वापस ले लिया मैंने, वापस आ जा रहा। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन फॉर राम और इंदिरा। सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया, कौन कौन पार्टनर है जो बियर करेंगे, उसके लिए बैलेंस चेक किया जाता है, सारा रायता समेटने के बाद में, सारा रायता किस किस में, सब सब में, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी वगैरह सब कुछ बांटने बूटने के बाद, कौन कौन है जो गड्ढे में फंसे हुए हैं उनको छोड़ दो, हाँ जो अभी भी सब कुछ करने के बाद में गड्ढे से बाहर है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, उन उनको पकड़ लो, और वो है इस क्वेश्चन में राम और इंदिरा। तो मैं रेशो भी किसका चेक करूंगा, सिर्फ राम और इंदिरा का। अब वो रेशो कैसे आएगा, वो कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, पिछले क्वेश्चन में जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है दीक्षा, वो फिर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैं रेशो कैलकुलेट कर रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, रेशो ऑफ कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैसे निकलेगा जी, अब हम उसकी बात करेंगे जी। कौन कौन पार्टनर है, बस दो के तो देखना है, मिस्टर राम और मिस्टर इंदिरा, इन दो लोगों का। वेरी गुड दीक्षा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आइए जी, तो मिस्टर राम, बेटा मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा ताकि किसी भी बच्चे का जरा सा भी मिस ना हो, जरा सा भी। पानी वानी पी लो, क्योंकि यहां पे आपसे आपको जरा सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। डिसोल्यूशन से पहले किस किस का कितना पैसा था फर्म के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रेशियो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट में जाते हैं और देखते हैं रियलाइजेशन की वजह से कौन कौन से आए बेटे। इसीलिए मैं आपको यहां पर वो चीज अलग अलग कलर से लिखता हूं ताकि आपको आसानी हो। जो जो काम रियलाइजेशन की वजह से हो रहे हैं वो सारे के सारे यहां पर अदर देन ब्लू रिकॉर्ड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी बैलेंस शीट में जो पहले से बैलेंस थे कैपिटल अकाउंट ओनर से रिलेटेड, वही सारे काउंट होते हैं। रिलाइजेशन की वजह से रिलेशन का लॉस आया, ये जो कैश बैंक आया ये भी रिलेशन की वजह से आया, 11100 वो भी रिलेशन की वजह से आया, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी वो भी उसी की वजह से जा रहा है। हमें जो कंसीडर करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज करनी है जो ब्लू में लिखे हैं। सर अगर कोई पार्टनर असेस ले गया होता तो, मैंने कहा बेटे उसका भी रिलेशन में आता और वो भी यहाँ पर टू साइड में होता। सर कोई लायबिलिटी वगैरह पे कर रहा होता तो, मैंने कहा बेटे बाई साइड में होता, हम उनको भी इग्नोर कर देते क्योंकि वो बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन, थिंग्स कमिंग फ्रॉम रियलाइजेशन और ड्यू टू रियलाइजेशन आर टू बी इग्नोर्ड for the purpose of calculation of this ratio, ठीक है ना। नहीं बेटा 60-45 गलत है बेटा। आइए जरा, क्या क्या रेशो है देखिए जरा, बताओ बेटे कैपिटल में पहले से ये बैलेंस था ना, इन दोनों की बात होगी तो मैं इन दोनों पर एरो लगा रहा हूं,
रियलाइजेशन से पहले किस किस का कितना कितना बैलेंस था? शाबाश बेटा दीक्षा, अब बात समझ में आई, वेरी गुड। कितना कितना बैलेंस था, तो बस यही काम मैं वर्किंग नोट में जाकर के रेशियो निकालने के लिए कर रहा हूँ बस। तो मैं यहां पर एरो हटा रहा हूं और मैं ये काम बेटे वर्किंग नोट में निपटा रहा हूं। थिंग्स कमिंग फ्रॉम रियलाइजेशन और ड्यू टू रियलाइजेशन आर टू बी इग्नोर्ड बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और जी बाय क्या है रिजर्व्स। मजा आएगा इस चैप्टर में, सच में मजा आएगा आपके साथ में मेहनत करते हुए, क्योंकि आप लोग ना कैच बहुत जल्दी करते हो। अब या तो ये ऑनलाइन क्लास का कमाल है कि आपको समझने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्लास में तो हम लोग कई बार बातें भी करते हैं रियली। मैं फील मतलब पहली बार इस चैप्टर को पढ़ाते हुए इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, वरना हर बार क्या होता था कि कई बार क्या होता था कुछ बच्चों को समझाओ दूसरे बच्चे भूल जाते, दूसरे को समझाओ पहला बच्चा भूल जाता। हाँ कल संडे को ऑफ लेंगे, डोंट वरी। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला बैच पढ़ाते हुए, क्योंकि तुम लोग ना सच में इतने अच्छी कैचिंग पावर वाले बच्चे मिल गए मेरे को। अगर तुमने थोड़ी सी भी बस फोकस बढ़ाए रखा है ऐसी, कसम से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं समझ सकता हूँ। आइए जरा, फिगर आउट हो गया, कहाँ फिगर आउट हो गया, आइए जरा। तो यानी इसका मतलब क्या है बेटा, देखो जरा ध्यान से, फिगर आउट हो गया मतलब क्या कहना चाहते हो बेटा, 63,000 और यहाँ पर 48,000। लो बेटा जी 63,000 और 48,000, लो बेटा जी ये हैं वो बैलेंसेस, ये हैं वो बैलेंसेस, ये हैं वो बैलेंसेस जो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन है। 63,000 और 48,000 वो वाली कैपिटल है जो लगा रखी थी इन्होंने डिसोल्यूशन से पहले। डिसोल्यूशन से पहले कोर्ट का जो कहना है वो क्या है भाई, ये बताओ किस किस का कितना कितना पैसा लगा हुआ था। कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, भाई उसमें सिर्फ कैपिटल का बैलेंस काउंट नहीं होगा। मैंने आते ही आज क्लास में याद है सबसे पहले रिवाइज करते हुए यही पॉइंट बताया था, और वो गलती हुई भी है अभी, कि सिर्फ इसको मत सोचना, सिर्फ इसको मत सोचना। इसमें जितने भी पुराने बैलेंस बैलेंस शीट में डले होंगे, सर कहां पर बेटा, ये जो क्वेश्चन होता है ना बाबू, जहां जहां पे कैपिटल है ओनर वाले, ये है कैपिटल, हाँ जी। ओनर से रिलेटेड ये बैलेंस है, हाँ जी। ओनर वाला और भी कुछ है बैलेंस शीट में, हाँ सर, ये रहा सर। अच्छा ओनर्स वाला और भी कुछ है, हाँ सर, ये रिजर्व भी तो ओनर का ही है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ओनर के इतने पैसे लगे हुए हैं, ये जो है ये ओनर्स वाले पैसे हैं, हाँ यही तो है कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। लो ये कह देता कोर्ट, ये कह देता कि भाई जो जो बैलेंस पहले आ रहे हैं उनको जोड़ लो तो और बढ़िया बात होती। बस ये बात टीचर को क्लास में बतानी पड़ती है उस केस को अप्लाई कराते हुए, इतनी सी बात है और इसी बात के पैसे हैं। आइए जरा लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर अब हम बात करेंगे बेटे, ये आ गया हमारा रेशो। तो ये जो लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी है ये अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जी, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी। मतलब रेशो हमारा जो आया वो आ गया 63:48 और लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी हमारे बेटे याद है 42,100 का है, भूल तो नहीं गए हो। और नाम क्या क्या है जी पार्टनर्स के, एक तो जी मिस्टर राम है और एक है ये मिस्टर राम और मिस्टर राम और इंदिरा, इनके रेशो बांट दो 63:48 बांट दो जी। लो जी बांटो जी 42,100 × 63 डिवाइडेड बाय इनका टोटल, 42,100 × 48 डिवाइडेड बाय इसका टोटल। तो बेटा जी 63 + 48 111। अच्छा बेटा शुभम अभी मेरा फोकस हिल जाएगा बेटा, इसलिए नहीं पढ़ रहा बाबू मैं और वापस वाले मैसेज। तो जी कितने रुपए हो गए, 42,100 × 63 डिवाइडेड बाय 111, तो ये आ गया जी हमारा 23,8,95 और इनका आ गया जी 18,205। मतलब मिस्टर राम के खाते से इतना कम होगा और इंदिरा के खाते से इतना कम होगा जी। ये बात अब बढ़िया भाई शुभम, मजा आ गया भाई, आ जाओ जी। तो ये जो लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी है
अब हम इसको बांट रहे हैं जी, कहां पे? इधर टू लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, बांट दो जी। ये जी किस किस में बटेगा जी? ये जी उमेश में तो बट ही नहीं सकता, इन दोनों में बट रहा है जी, और इन दोनों में बट रहा है जी 23,895 रुपए, तो इसके हिस्से में आ रहे हैं जी 23,895 रुपए, तो इसके हिस्से में आ रहे हैं जी। अच्छा और जी 18,205 रुपए इसके हिस्से में आ रहे हैं जी। इस तरह से ये टोटल लॉस आ रहा है जी 42,100 का। अब करें? हाँ जी, चलो पेमेंट करते हैं जी। पहले एक काम करो, उमेश से बोलो जरा कैश लाए, जो हिसाब किताब बैठ रहा है। पहले उमेश की बात निपटा लो, क्योंकि ये तो फालतू की बात है। चलो जी उमेश की बात कर लेते हैं सर। पहले 18,07, 25,200। हाँ जी 25,200, यानी कि उमेश जी, हाँ जी उमेश जी, हाँ जी कैश ले आओ। अच्छा जी कैश बैंक ले आते हैं जी। कितने का? 25,200 में से हटा दो 9,200, कितना हो गया? 16,000। अब यहां पर तो बात हो गई, तो मैं इसको लिख दूं क्या कैश बैंक में? हाँ जी टू उमेश कैपिटल, बल्कि पहले तो रिलेशन लॉस लिखना था ना। टू कौन कौन थे? कुछ पोस्टिंग छुट्टी हुई, उसको निपटा दूं फटाफट से। राम, इंदिरा, उमेश 10,800, 10,800 और 7,200, और यहां पर तू उमेश जो अभी अभी आया, कितने का? 16,000। कितने का था? 16,000 का। ठीक है जी, लो बेटा जी 16,000 का, 16,000 का, 16,000 का। और पता है एक और रह गया, वो जो 11,100 लेके आया था, वो कौन लेके आया था? त्रिवेणी 11,100 रुपए, वो भी तो लेके आया था ना। चलिए जी यहां तक बात हो गई। चलिए जी, तो अब जो जो फालतू फालतू का काम था हमने निपटा दिया। हाँ अब बस मेन काम बच गया हमारा। लो जी अब इसको कर लेते हैं। अब इंदिरा और राम जरा देखना, एक क्वेश्चन की यहां पे ना एक लाइन जो है वो बड़ी काम की है, जो अभी हमें देखनी है। इंदिरा वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटी, ही इज एंटाइटल्ड 5% ऑन द अमाउंट फाइनली पेबल टू अदर। इंदिरा को कमीशन मिलेगा उस अमाउंट का जो दूसरे को पे करवाएगा। अब दूसरे को पे करवाएगा यानी इंदिरा को मिलेगा और दूसरा पे करेगा। दूसरा कौन है भाई यहां पर जिसको पेमेंट जाने वाला है? कि जी मिस्टर राम। तो पहले तो राम का देखो पेमेंट कितना बनता है। कि जी मिस्टर राम का टोटल करो 63 और कितना हो गया? 73,800 रुपए। क्या कहा मैंने बेटा? 73,800 रुपए, 73,800 रुपए। अब 73,800 रुपए में से 73,800 बस खत्म होने वाला है 2 मिनट में 4 मिनट में। 73,800 रुपए में से कितने रुपए ऐसे हैं जो इनके निकल रहे हैं? उसी में से दो काम होने हैं, एक तो जी कैश बैंक होना है और एक क्या होना है, यहां से इंदिरा जी के खाते में पैसे ट्रांसफर होने, किसके? कमीशन के। ठीक है जी, लेकिन एक बात ध्यान रखना अभी यहां पे पहले बैलेंस बताओ कितना रहा। 73,800 माइनस 10,800 और माइनस 23,895। अगर देखा जाए तो यहां पर बैलेंस अभी आ रहा है 39,105। 39,105 टोटल बैलेंस आ रहा है बेटे। इसी में से कमीशन जाना है और इसी में से ही पेमेंट होना है, ध्यान से। लेकिन इसमें कमीशन क्या 39,105 पे लगेगा? देखो ध्यान से, गौर से देखो यहां पर। क्या सर? यहां पे एक गड़बड़ है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, जहां कमीशन हमने 5/105 निकाला था पिछले क्वेश्चन में। यहां पे कितना निकलेगा जी? कितने परसेंट है जी? यहां पे भी 5/105 है,
वहां पर रियलाइजेशन का लॉस नहीं था पिछले क्वेश्चन में, रियलाइजेशन का लॉस नहीं था पिछले क्वेश्चन में, रियलाइजेशन पे ना प्रॉफिट था ना लॉस था। तो जैसे मिस्टर राम है यहां पर, वैसे वहां पर किसी भी पार्टनर को कैश नहीं लाना पड़ रहा था। पता क्या होगा, ये जो 39105 है इसके अंदर आप अगर गौर से देखो तो इसका खुद का लाया हुआ कैश नहीं है क्या 10,800? तो जो मैं लाया था, मान ले मेरा नाम है मिस्टर राम, तो जो मैं लाया था, मैं जो लाया था 10,800, क्या उसी का ही परसेंटेज में कमीशन अपने अपनी जेब से दूंगा तुम्हें? मतलब मेरे ही लाया हुआ कैश जब तुम मुझे वापस दोगे मिस्टर इंद्रा, तो क्या तुम कमीशन खा जाओगे? ना भाई ना, ना भाई ना, ना भाई ना। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो टेक्निकल टीम ने आपके लिए पूरा बढ़िया से एकदम फोकस कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहां पे फोकस होना है वहां पे फोकस हो गया। बेटा देखो ध्यान से, 39105 के अंदर 10,800 ऐसा है, बस सर एक मिनट करता हूं, जो खुद का था। तो इसका मतलब यहां पे क्या है बेटा, आ जाओ कर रहा हूं। इसके अंदर बेटे कमीशन 39105 में से घटा दूंगा, पहले पहले घटा दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा 10,800, बस कर रहा हूं। 10,800 कितना बचा, कितना बचा 28,305। बेटे इसी पर कमीशन दिया जाएगा, इसका 5/105 करना जरा, इसका 5/105 ये कितना आ गया, खत्म, बस खत्म बेटा। 1,348 रुपए यहां पर आ गया इसका। तो 39105 में से गया है, कितना बचा 37757, ठीक है। और इसका कितना हो गया जी, इसके यहां पर कमीशन चला गया बाई मिस्टर राम, कितना हो गया 1,348 रुपए। टोटल कितना हो गया 45,000 प्लस 3,000 प्लस 10,800 प्लस 1,348, कितना हो गया जी 60,148। बेटा 60,148 में से गया माइनस 10,800, बस आ लिया, बस लिया माइनस 18,205। हाँ बेटा वर्किंग नोट बनाना है लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज है तो मैं जरा इसको ओवर करता हूँ बस। तो ठीक है बेटा, ये पेमेंट होना है और फटाफट से बस भेज दो इसको कैश बैंक में और खत्म करो, निपटाओ बेटा कैश बैंक में, खत्म करो इसे जल्दी से। क्या क्या है जी फटाफट से, मिस्टर राम और मिस्टर क्या है इंदिरा, कितना है जी 37,757 और जी 31,143 और हमारे रिलेशन की एंट्री 54,000 हो गई। हाँ हो गई, क्रेडिटर्स, अच्छा पार्टनर का लोन, राम का लोन, राम का लोन कितना 20,000। बेटा टोटल करो फटाफट से, कितना आ गया 1,42,900। लो भाई क्लास ओवर। हाँ लिख लेना बेटे, घर से लिख लेना कावेरी, ठीक है अभी मैं ओवर करता हूँ नहीं तो मेरे को डांट पड़ेगी। चलिए जी, तो ओके देन बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं ओवर करता हूँ। बाय 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 बाय।